हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लाइव सेशन। आप सभी का स्वागत है आज के मेरे लाइव सेशन में। मैं हूं हर्षदा पॉलन सिल्की क्रिएशन से। जो भी ऑनलाइन व्यूअर्स मुझे देख पा रहे हैं, एक हाँ हेलो का जरूर मैसेज कर देना, साथ ही साथ लाइव सेशन को शेयर कर देना, लाइक्स हार्ट्स कमेंट्स भी करते रहना। क्विकली ज्वाइन कीजिए, जो लोग भी ज्वाइन हो रहा है मुझे हाँ हेलो के मैसेज के साथ, ढेरों सारा शेयरिंग शेयरिंग बस तुम लोग को करना है, तुम लोग के टाइमलाइन पे, व्हाट्सएप ग्रुप में और व्हाट्सएप स्टेटस पे करना है। हेलो सुषमा जी, हेलो शीतल दी, क्विकली ज्वाइन करो और हाँ हेलो के मैसेज के साथ ढेरों सारा शेयरिंग करो, ठीक है। मैं बस लाइव लिंक को शेयर कर रही हूँ। आज का जो स्पेशल लुक दिखाने वाली हूँ कि मिनिमम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट में तुम लोग किस तरीके से हॉलीडे लुक क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो आज का जो लाइव सेशन रहने वाला है, स्पेशली हॉलीडे वाला लुक मैं कहूंगी इसको, बिकॉज कम टाइम में या फिर मिनिमम क्वांटिटी प्रोडक्ट में या फिर कम से कम प्रोडक्ट में हम लोग अच्छा सा अच्छा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग वाला कैसे कर सकते हैं ये बताने वाली हूँ। सो क्विकली ज्वाइन करो, मैं लाइव लिंक को शेयर कर रही हूँ, तुम लोग भी शेयरिंग कर देना एंड फटाफट हाय हेलो का मैसेज के साथ ढेरों सारा शेयरिंग कर देना। एक सेकेंड रुक जाओ, मैं लाइव लिंक को शेयर कर रही हूँ, तुम लोग भी ढेरों सारा शेयरिंग कर देना एंड क्विकली ज्वाइन कर देना। और जिन लोगों को भी व्हाट्सएप पे रिप्लाईज नहीं मिले हुए हैं, फिर से मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर देना। हर एक को मैंने मोस्टली रिप्लाई देने की कोशिश की है, इसी के वजह से लाइव सेशन इतने दिन तक नहीं आ पा रही थी। कंटिन्यूसली मैसेजेस और तुम लोगों का प्यार और तुम लोगों का इतना सपोर्ट कि इतने ऑर्डर्स हैं हम लोगों को कि लिटरली ऑर्डर्स डिस्पैच करते करते हम थकेंगे नहीं। तुम लोग के ऑर्डर्स देते देते और तुम लोग को रिप्लाई देते देते मैं नहीं थकूंगी, ठीक है। मैं हर किसी को रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ, बट इफ इन केस ऐसा हो जाता है, कोई कोई कुछ ऐसे उठपटांग क्वेश्चन हमेशा कंटिन्यूसली सेम चीजें अगर पूछोगे तो शायद उस चीज का हम लोग फिर से रिप्लाई नहीं देते हैं, ठीक है। बिकॉज उस चक्कर में ऐसा हो जाता है, फिर जो जेन्युइन लोग होते हैं उन लोगों को रिप्लाई देने में टाइम लग जाता है, ठीक है। और सेम चीज का रिप्लाई हम लोग किस अलग वे से कितना सारा टाइप करेंगे, इसके लिए सभी से रिक्वेस्ट है, जब भी आप लोग को कुछ रिक्वायरमेंट है, आप लोग को कन्फर्म ये वाला प्रोडक्ट बाय करना है, तभी जाके तुम लोग मुझे क्वेरी कर सकते हो। बट अगर तुम लोग के पास प्रोडक्ट्स तुम लोग को बाहर से लेना है तो मेरे पास इंक्वायरी ना करना, ठीक है। जहां से आपको बाइंग करना है उसी इंसान को पूछ लेना ये वाला प्रोडक्ट किस लिए है, क्या है। बिकॉज बहुत सारे कस्टमर्स है, बहुत सारे सेलर ऐसे हैं जो बोलते हैं ना, बिना नॉलेज के बहुत सारी चीजें दे देते हैं, वो सेलिंग पर्पज रहता है, हमारा पर्पज अलग है। चलो मैं लाइव लिंक को शेयर कर रही हूँ, फटाफट वाला लाइव जो है वो वाला स्टार्ट करने वाली हूँ। हेलो गगन दी, हेलो पूजा दी, पार्सल ऑल आइटम, थैंक यू सो मच चारू दी। और चारू दी आपका भी रिक्वायरमेंट जल्दी से कंप्लीट होने वाला है, नेक्स्ट वीक में ढेरों सारा ज्वेलरी कलेक्शन, हेयर एक्सेसरीज तो बहुत सारा आया हुआ है। आज अगर क्विकली अगर लाइव सेशन खत्म होता है तो ये वाला लाइव सेशन कट करके नेक्स्ट लाइव सेशन कंटिन्यू करने वाली हूँ। और आज का जो मेकअप लुक है ये दो प्रोडक्ट्स के साथ, इसके साथ और भी कुछ प्रोडक्ट्स रहेंगे, बट दो मेन इंग्रेडिएंट्स या फिर दो मेन प्रोडक्ट्स में इसको कह सकती हूँ, जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और जिन लोगों को ऑलरेडी बिल्स मिल चुके हैं, काइंडली क्लियर योर बिल्स, ठीक है। चलो अभी लाइव सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। क्विकली अगर कहीं पे जाना है तो किस तरीके से मेकअप लुक्स क्रिएट करोगी, या फिर अभी हॉलीडे सीजन चालू है, या फिर बच्चों को छुट्टियां लग गई है, सब लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, कोई नॉर्मल जगह पे जा रहा है, कोई बहुत ज्यादा फॉरेन टूर वगैरह कर रहा है, तो वहां पे हम लोग को इतना सारा तो टाइम नहीं है कि इतना सारा ब्लशर हाईलाइटर सारी चीजें कैसे लेके जाए, इतना सारा कैसा मेकअप करे। सो ये एक प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ जिससे आज आप लोगों को बहुत तड़के बताने वाले, मतलब मेन तड़का तो आज इसका है। हमेशा कुछ ना कुछ मेरे लाइव सेशन में कुछ ना कुछ क्विक तुम लोगों को देखने के लिए मिलता है। गीता जी पोनीटेल नहीं है अवेलेबल, शायद आपको मैंने व्हाट्सएप भी मैसेज किया है। हेलो भाग्यश्री दी, हेलो पुष्पा जी। सो ये वाला जो प्रोडक्ट है लिप एंड चिक पेंट, सिंगल प्रोडक्ट से काफी मल्टीपर्पज यूज होने वाला है। इसमें काफी सारे वेरियंट है, इसमें टोटल मैं कहूंगी कि तुम लोगों को 5 कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। 5 कलर्स, पांचों भी कलर बहुत बेस्ट है। मैंने 12 पिंक यूज किया हुआ है, ये काफी टाइम से मैं यूज कर रही हूँ। तुम लोग कोई भी शेड्स ले सकते हो, इसमें शेड्स काफी सारे हैं और कैसा लुक क्रिएट करोगे वो भी बताऊंगी। इसमें ये वाला शेड रहेगा, ये दोनों शेड्स रहेंगे जिनको एकदम प्रॉपर न्यूड लुक चाहिए तो उनके लिए ये रहेंगे, और जिनको थोड़ा सा डार्किश लुक चाहिए
या फिर मीडियम वाला चाहिए तो बारे पिंक ले लो, ये वाला भी ले सकते हो, या फिर रोमांटिक रेड समथिंग कुछ। तो इसके शेड्स मैं सारे के सारे बाद में दिखा दूंगी। सबसे पहले हम लोग हमारे लाइव सेशन को स्टार्ट करते हैं। लाइव सेशन स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। हेलो प्रिया जी, शैम्पू नहीं आया हुआ, जैसे आएगा इंस्टाग्राम फैमिली पे अपडेट रहो, वहां पे तुम लोगों को सारे अपडेट मिलेंगे। एक प्रोडक्ट अगर स्टॉक आउट हो जाता है तो वो आने के लिए टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि अभी स्टॉक आउट हो गया है तुरंत आ जाएगा। स्टॉक बहुत ज्यादा बल्क में आता है, तो जब ही आता है तो वो अपडेट तुम लोग को यहाँ पे मिलेंगे इंस्टाग्राम पेज पे, ठीक है। हेलो मधुरा जी, हेलो नजमा दी। और मैं जो मेकअप लुक दिखाने वाली हूँ या फिर सिखाने वाली हूँ, मुझे नहीं लगता है तुम लोग को कोई सेलर सिखा पाएगा, बिकॉज ये वाले लुक तुम लोग को सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट सिखा सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम हमारे स्किन को प्रेप करेंगे। बिफोर मेकअप सबसे पहले हम लोग को क्या काम करना है, हम लोग को फेस वॉश करना है, जो भी हमारे फेस को सूट होगा उससे फेस वॉश करना है। अभी मैं फेस को हल्का सा वाइप आउट कर रही हूँ, बिकॉज फेस वॉश करके काफी टाइम हो गया है, आई थिंक 10 से 15 मिनट हो गया है, एंड मैं अपने फेस को हल्का सा वाइप आउट कर रही हूँ स्पॉन्ज से। मैजिकल स्पॉन्ज है, प्राइस है 90 रुपीज, रीयूजेबल है, वॉशेबल है, ठीक है। ग्रुप्स में कोई भी अपडेट नहीं देते हैं, बिकॉज हम लोग डायरेक्ट डेमो देते हैं। प्रिया जी, हेलो सुवर्णा जी, व्हाट्सएप ग्रुप आहे का तुझा मधुरा जी, टैप करो स्क्रीन पे, वहां से तुम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट, इस तरीके से कॉटन बॉल्स तुम लोग को मिल जाएंगे। कॉटन बॉल्स का प्राइस है 52 रुपीज फुल पैकेट, उसमें 50 पीसेस रहते हैं। हेलो गायत्री दी, हेलो सपना जी, हेलो शीतल जी। सो मैंने अपने फेस को हल्का सा वाइप आउट कर लिया है स्पॉन्ज से, बिकॉज हल्का सा फेस ड्राई हो गया है। देन हम लोग सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करने से पहले हम लोग को करना है स्किन केयर रूटीन, चाहे तुम लोग मॉर्निंग में मेकअप कर रहे हो, चाहे तुम लोग नाइट में, हॉलीडे में अगर जा रहे हो तो मॉर्निंग में या फिर नाइट में, दोनों टाइम पे हम लोग को जल्दी रहती है कि फटाफट हम लोग को क्विकली मेकअप करना रहता है। इतना आई शेडो, इतना ब्लशर, इतना अगर हाईलाइटर, ये सारी चीजें अगर कैरी नहीं करनी है, मिनिमम क्वांटिटी प्रोडक्ट लेके जाके अगर करना है तो आज का लाइव सेशन जरूर देख लेना, ठीक है। हेलो राखी दी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। हेलो देव दत्ता जी, हेलो मनीषा जी। और जिन लोगों को सच में कहूंगी सच में प्रोडक्ट्स बाय करने हैं, जरूर व्हाट्सअप कर सकते हो, तुम लोग के स्किन के अकॉर्डिंग प्रॉपर सजेशन दिया जाएगा। सबसे पहले हम कर रहे हैं फेस को क्लीन, डबल क्लींजिंग कर रहे हैं, बिकॉज फेस के ऊपर अगर डर्ट है तो उसको हम लोग को क्लीन करना है क्लींजिंग में से। ब्यूटी केयर प्राइस 80 रुपीज, विदाउट योर फेस क्लीनिंग तुम लोग मेकअप नहीं कर सकते हो, ठीक है। विदाउट क्लींजिंग, विदाउट टोनिंग फेस को तुम लोग प्रेप्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये प्रेप्ट कर रहे हैं हम लोग, तो या फिर प्रिपेयर कर रहे हैं, स्किन का प्रिपरेशन है ये वाला। सबसे पहले क्लींजिंग कर रहे हैं, देन टोनिंग करेंगे। हेलो मानसी जी, हेलो नीलम दी, हेलो पूनम दी। शेयरिंग बस तुम लोग के व्हाट्सएप पे और अपने टाइमलाइन पे करना है, बाकी कोई भी ग्रुप्स में ना कीजिए, रिक्वेस्ट है। हेलो प्रीति जी, अच्छे से नेक एरिया को भी कवर कर लेंगे। ये मैं सारी चीजें सिखा रही हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ डायरेक्टली मेकअप करके फिर तुम लोग मुझे मेंशन करो कि फेस ब्लैक हो रहा है या फिर नहीं सूट हो रहा है, या फिर हम लोग के फेस के ऊपर ये वाला दिख ही नहीं रहा है। कुछ भी तुम लोग को अगर इश्यूज आते हैं तो वो तुम लोग स्किन प्रिपरेशन नहीं करते हो उसकी वजह से। अगर फेस के ऊपर स्कार्स है, फेस प्रॉपरली अगर प्रिपरेशन, स्किन प्रिपरेशन अगर नहीं है, घर को जैसे कलर करते हैं, घर को कलर करने से पहले उसको पूरा क्लीन करना पड़ता है, वॉल्स को क्लीन करते हैं कि नहीं, उसी तरह हमारा जो फेस है वो भी घर का एक वॉल ही है, तो उसको पहले क्लीन करेंगे, देन हम लोग बाकी सारे प्रोडक्ट यूज करेंगे। सबसे पहले मैंने जो यूज किया है क्लींजिंग में, डायरेक्टली हम लोग कॉन्सेंट्रेशन क्या करते हैं, हम लोग को मेन प्रोडक्ट का रिजल्ट चाहिए रहता है, ठीक है। मेन प्रोडक्ट का काम रहता ही है, बट उसके साथ सबसे पहले तुम लोग ये प्रोडक्ट बाय करो। ये तुम लोग नहीं भी बाय करोगे तो भी चलेगा, सबसे पहले स्किन केयर करो। हेलो महालक्ष्मी जी, कसला डेमो आहे, हॉलीडे स्पेशल डेमो, जो कि तुम लोग को बाहर जाते टाइम, मतलब बाहर अगर जाना है तो क्विकली अगर मेकअप करना है तो ये ट्रिक्स आज का लाइव सेशन सेव करके रख सकते हो, या फिर तुम लोग देख सकते हो कि आज के मिनिमम प्रोडक्ट में हम लोग किस तरीके से रेडी होने वाले हैं। हेलो पूर्णिमा दी, सबसे इम्पॉर्टेंट है स्किन प्रिपरेशन, विदाउट स्किन प्रिपरेशन तुम लोग कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते हो। अगर तुम लोग यूज करते हो तो फेस
लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। सबसे पहली बात, अगर तुम लोग के फेस के ऊपर पिगमेंटेशन है तो वो पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा हाइड होते रहेंगे, ड्राइनेस है वो ड्राइनेस दूर नहीं होगा। सो हर हर चीज का अलग अलग ये रहता है, अलग अलग चीजें रहती है, मतलब हर चीज के लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन रहता है। तो सोल्यूशन यही होता है, मेरा अगर मेकअप ग्रे पड़ रहा है, मेरा अगर मेकअप अच्छे से नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे के रीजंस तुम लोग जानते हो जी नहीं। विदाउट रीजन तुम लोग मुझे व्हाट्सएप पे ढेरों सारे मैसेजेस भेजते हो, मुझे क्रीम नहीं सूट करता है, मुझे फाउंडेशन सूट नहीं करता है। क्यों नहीं सूट करता है? बिकॉज तुम लोगों ने जो शेड लिया हुआ है, अगर सीसी क्रीम लिया है या फिर कोई भी फाउंडेशन लिया है, मैं अगर ये वाला अगर डेमो दिखा रही हूँ या फिर कोई भी लूज पाउडर दिखा रही हूँ या फिर कोई भी अगर कॉम्पैक्ट दिखा रही हूँ, तो मैं मुझे अगर व्हाट्सएप पे ऑर्डर आता है, अगर उन लोगों की स्किन को मैच होने वाला शेड नहीं है, तो मैं उनको सीधा बता दूंगी कि ये वाला प्रोडक्ट ना लीजिए, बिकॉज आपके स्किन को सूट होगा ही नहीं। ठीक है, तो मेरे पास आप लोगों को प्रॉपर स्किन केयर सजेशन मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि यही शेड सारे फेस के ऊपर सूट हो जाएंगे, ऑलमोस्ट सूट हो जाते हैं, बट अगर स्किन बहुत ही ज्यादा डस्टी है, बहुत ही ज्यादा फेयर है, कुछ भी इश्यूज होते हैं, तो उस हिसाब से भी मैं बहुत सारी चीजें चेंज करती हूँ। मैं तो सीटीएम ही कर रही हूँ। ओके दी, क्लिंजिंग का प्राइस है, क्लिंजिंग मिल्क का प्राइस है 80 रुपीज। आज एक लेडीज का डेमो बघून तुझे खूब आठवण झाली की तू किती प्रॉपर नॉलेज देते। थैंक यू सो मच राखी दी। सी, डेमो देने के लिए कोई टाइम नहीं लगता है, डेमो देने के लिए देखो शायद पर्ल एंड सिल्की को भी लोग फॉलो करते रहेंगे, कि पर्ल एंड सिल्की में इतने डेमो होते हैं तो क्यों ना हम भी एक डेमो दे करके। बट ऐसा नहीं होता है, पर्ल एंड सिल्की का प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हर्षदा अगर डेमो दे रही है तो हर्षदा ने पहले मास्टरी की हुई है, हर्षदा ने कोर्सेस किए हुए हैं। ठीक है, हर्षदा के पास सर्टिफिकेशन है वो चीज का। अगर कलर व्हील की बात करें या फाउंडेशन भी ना भी दोगे ना तो भी मैं फाउंडेशन बना सकती हूँ। ये सारे ट्रिक्स तो आगे सिखाऊंगी तुम लोग को, धीरे धीरे हर चीज का नॉलेज मिलेगा तुम लोग को। आप कहाँ से हो? हम मुंबई से हैं। स्किन प्रिपरेशन के लिए क्लिंजिंग मैंने लगाया, क्लिंजिंग के बाद हल्का सा थोड़ा सा टाइम दे देना है, थोड़ा सा ज्यादा ड्राई हो गया तो हल्का सा मैं स्पॉन्ज लगा लूंगी, बिकॉज एकदम ड्राई नहीं करना है हम लोग को, स्किन को एकदम ड्राई नहीं करना है। आफ्टर क्लिंजिंग हम लोगों को यूज करना है टोनर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप आप लोग को टोनर प्रोवाइड किया जाएगा। मैं जो यूज कर रही हूँ ब्यूटी केयर का 80 रुपीज का है, तुम लोग के स्किन के अकॉर्डिंग तुम लोग को मिलेगा 220 का भी हो सकता है, उसमें अलग अलग मतलब अलग अलग अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप तुम लोग को ये वाला प्रोडक्ट मिलने वाला है। बेसिकली है मेरे पास अगर प्रोडक्ट बाय करते हो तो ये वाला प्रोडक्ट ऐसा नहीं रहता है। कोई भी बीबी क्रीम सीसी क्रीम भी भेजते हो, तुम लोग का शेड अगर उसमें अवेलेबल नहीं है, कंपनी बनाती है बहुत सारी कंपनी, जैसे कि मैरिजो है इंटरनेशनल कंपनी है, लैक्यू ब्यूटी है इंटरनेशनल कंपनी है, मालियो है इंटरनेशनल कंपनी है, बट अगर कोई लोकल कंपनी है उसमें अगर आपके शेड्स नहीं है, मैरिजो में अगर आपके शेड नहीं है, मैं आपको कहूंगी लैक्यू ब्यूटी ले लो, मालियो में आपके शेड्स नहीं, मैं कहूंगी आप लोग को सजेशन दूंगी कि आप लोग सीसी क्रीम ले लो। ठीक है, हाँ ऑर्डर कराए आहे सुषमा दी, व्हाट्सअप कर सकते हो, ऊपर नंबर पिन पोस्ट है, उसी नंबर पे हाय हेलो का मैसेज करके आप अपना ऑर्डर दे सकते हो। आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए वो मुझे मेंशन कर सकते हो, उस अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर सजेशन दिया जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट बाय करना मेरा मोटो नहीं है। ठीक है, लाइव भी मैं आई हूँ, आप लोग को डेमो भी दे रही हूँ, तो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप विदाउट मेकअप प्रिपरेशन, विदाउट ये वाला प्रिपरेशन तुम लोग मेकअप स्टार्ट नहीं कर सकते हो, और कोई भी मेकअप आर्टिस्ट आप लोग को ऐसा मेकअप नहीं दिखाएगा। अगर कोई दिखा रहा है तो उस बंदे को कोई भी चीज का नॉलेज नहीं है। मैं भी प्रॉपर मेकअप दीदी से ही सीखा है, थैंक यू सो मच दी, और प्रोडक्ट भी हमसे ही लिया है वो भी बता दो। हेलो सुवर्णा दी, देवदत्ता दी फ्रॉम कोलकाता, वेलकम टू माय लाइव सेशन दी। आपका शौक हाल फिलहाल ऑफलाइन नहीं स्टार्ट हुआ है, जैसे ही ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा जरूर। हेलो निशा जी, किसका मैसेज स्किप हो गया? हेलो माधुरी जी, हेलो सुषमा जी, पेमेंट आदि कराए सका? सुषमा दी पेमेंट का कोई भी नीड नहीं है, अगर कंफर्म ऑर्डर है आपका, अगर एकदम कंफर्म ऑर्डर है, आपको लगता है मुझे प्रोडक्ट लेना ही है, मिनिमम ऑर्डर 500 का रहता है, 500 पे करके रख सकते हो, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। बिकॉज क्या हो जाता है, जिनका पेमेंट आया हुआ रहता है उनका पेमेंट का ऑलरेडी डिटेल्स मेरे पास आ गया रहता है, और उनका कंफर्म रहता है कि हाँ इनका ऑर्डर आएगा ही। अगर हर्षवास फर्स्ट टाइम स्विस ब्यूटी सर डे क्रीम यूज केलं, खूपच बेस्ट आहे, खूप नॅचरल लुक, थँक यू सो मच डियर, अवेलेबल करून दिलं, थँक यू सो मच दी। सी, मैंने टोनर लिया है एंड टोनर मैं फेस के ऊपर अप्लाई करी हूँ, ये सीसी क्रीम मस्त है, बेस्ट है, बेस्ट मीन्स बेस्ट है, सीसी क्रीम एकदम बेस्ट है, मैरिजो का इंटरनेशनल कंपनी है,
इंडियन नहीं है। हॅलो सविता जी, ताई मला पेमेंट करायचं आहे, माधुरी ताई कशासाठी पेमेंट करायचं आहे मला मेंशन करा। आणि पेमेंट पेमेंट ऑप्शन ओनली फोन पे जीपे अवेलेबल है, उसके अलावा कोई भी पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। विदाउट मुझे पूछे बिना तुम लोग पेमेंट मत करना। एक सुषमा दी पहले आती थी, वो अब नहीं आती है लाइव में, उनको मैसेज करो। सी अच्छे से टोनिंग कर रहे हैं हम लोग, ये सारी चीजें जो है ना स्टार्टिंग की, शायद तुम लोग को लगे इतना क्यों करना है हम लोग को, हम लोग तो डायरेक्टली लेंगे सीसी क्रीम, हम लोग डायरेक्टली ले लेंगे लिप एंड चिप टिंट एंड हमारा काम हो जाएगा। जी नहीं, बट अगर तुम लोगों को प्रॉपर मेकअप या फिर प्रॉपर चीजें सीखनी है तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। ये सारी चीजें फॉलो किए बिना तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो। अगर तुम कहोगे कि मुझे डायरेक्ट खाना है, ठीक है, ऐसे नहीं खाना है, ऐसे खाना है, कैसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, मुंह में ही खाना जाने वाला है, बट तरीके रहते हैं। मैंने आपसे मेकअप करना सीखा है, मेरे गुरु हो, थैंक यू सो मच दी। देखो मेरे तो बहुत सारे गुरुज है, कितने सारे नाम भी नहीं बता सकती, इतने गुरु है। यार सब महाराष्ट्रियन लैंग्वेज क्यों बात करते हो आपके लाइन में, बिकॉज महाराष्ट्रियन क्राउड ज्यादा है एसडी कलेक्शन जी, बट हम तो हिंदी में बात कर रहे हैं मैडम, ठीक है। अच्छे से टोनिंग कर लिया है, क्लिंजिंग करने से, डबल क्लिंजिंग करने से क्या होता है, सबसे पहले जो प्रोडक्ट यूज किया इसकी वजह से पूरा फेस क्लीन हो जाता है। देन हम लोगों ने जो हमारे छोटे छोटे ओपन पोर्स थे उसको क्लोज करने का काम किया है टोनर से, बिकॉज हम लोग जो भी प्रोडक्ट अप्लाई करने वाले हैं हम लोग को हमारे पोर्स क्लीन चाहिए। हॅलो ज्योत्सना दी, डे क्रीम कशी आहे? डे क्रीम कशी आहे मधुरा जी? मस्त आहे। अकॉर्डिंग टू युअर स्किन टाइप आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। एडी शॉर्ट एमएस आहे का? हर्षदा दी, ज्वेलरी कलेक्शन, जैसे जैसे मेरा पेमेंट क्लियर होते जाएगा, मुझे सब लोग ज्वेलरी का पेमेंट करेंगे, वैसे ज्वेलरी का कलेक्शन भी आते जाएगा। वेट करो हल्का सा, नेक्स्ट वीक या फिर उसके नेक्स्ट वीक तक थोड़ा थोड़ा कलेक्शन आएगा। हम महाराष्ट्रीयन है, माझे मेकअपचे सगळे प्रोडक्ट दीदीकडचेच आहे, रिजनेबल रेट खूप छान आहे, थँक यू सो मच। प्रीती दी एक ऐसी है, ये भी बहुत स्टार्टिंग से है, मला काही घ्यायचं असेल तर। माधुरी दी आज का, सॉरी आई एम सो सॉरी, आज का लाइव बुकिंग नहीं है माधुरी दी, आपको आज के जितने भी प्रोडक्ट्स बुक कराने हैं आप ऑफलाइन बुक कर सकते हो, बिकॉज सारे प्रोडक्ट जो है अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप आप लोगों को मिलने वाले हैं। हेलो कृपा जी, हेलो रोहिणी दी, कहाँ से हो दी? हम मुंबई से है। आफ्टर टोनिंग हल्का सा 2 से 3 मिनट का वेट करना है, क्लेंजिंग के बाद टोनिंग के बाद ओरिजिनली शाइन आ गया है, ठीक है। अब मराठी नथ भी ला देना थी, मराठी नथ खत्म हो गया था, मराठी नथ का भी आने वाला है। आफ्टर टोनिंग हम लोग यूज करने वाले हैं हमारा मॉइस्चराइजर एज अ डे क्रीम, ठीक है, मॉइस्चराइजर एज अ डे क्रीम हम यूज करेंगे, और इसके जगह पे लोशन वगैरह फेस के लिए कुछ भी अप्लाई करना नहीं है, फेस के लिए ओनली एंड ओनली डे क्रीम या फिर मॉइस्चराइजर, फेस वाला ही मॉइस्चराइजर यूज करेंगे। वेरी यूजफुल योर वीडियो, मैं तो मेकअप करती नहीं हूं बट आपका वीडियो देखना, सेल्फ लव, यस ऑफकोर्स। सी मेकअप करना मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, मेकअप सीखना मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, एक सिंपल चीज है, अगर खुद से खुद को प्यार है तो सारी चीजें कर लो, ठीक है, सारी चीजें कर लो। अगर ऐसा लगता है कभी आईने में देखते हो तो लगता है कि हाँ मैंने भी कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो जरूर 101% तुम लोग खुद से प्यार करना सीख जाओगे। फोन नंबर खाली मुंबई लिहजा, ओके दी। हेलो जय श्री दी, हाउ आर यू मैम? मला कॉस्मेटिकचा रिप्लाई नहीं मिला। अर्चना दी रियली सॉरी, आपको रिप्लाई नहीं मिला होगा, आपने फिर से मुझे मैसेज करने की कोशिश की है तो फिर से मुझे कल मॉर्निंग में एक बार पिन कर देना। थोड़ा सा सी मेरा भी बिजी शेड्यूल रहता है सो कभी कभी नहीं हो पाता है। हेयर एक्सटेंशन लाइव नेक्स्ट वीक रहने वाला है, स्टॉक अभी तक मेरे पास कुछ नहीं आया हुआ है, मैं भी टोनिंग करके बैठी हूँ। ओके सी नेक्स्ट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं डे क्रीम, फेस को पूरा ड्राई नहीं होने देना है, अगर फेस को पूरा ड्राई होने देंगे तो फेस में एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्रीम फेस में एब्जॉर्ब नहीं होगा। मैं पूरे फेस के ऊपर एब्जॉर्ब करके क्रीम दिखाऊंगी कि किसका क्रीम एब्जॉर्ब नहीं होता है, डॉक्टर रेशल का किसका क्रीम एब्जॉर्ब नहीं होता है, बिकॉज तुम्हारे जो मेथड्स रहते हैं वो गलत रहते हैं, तुम कितना भी कहो, ठीक है। एक तो डिफरेंस रहेगा ही कि मैं अगर इतना मुझे इन सारी चीजों का नॉलेज है तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस रहेगा ही। कि काफी सारे लोगों का क्वेश्चंस भी रहता है कि दी आप जब भी प्रोडक्ट लगाते हो तो आपका प्रोडक्ट पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारा नहीं होता है, व्हाइट कास्ट छोड़ देता है। अगर पिगमेंटेशन है तो पिगमेंटेशन के ऊपर लगाओगे हल्का सा ब्लैकनेस तो होगा ही ना, नेचुरल चीज है कि नहीं। अगर ये वाला व्हाइट पेपर है, ये वाला ब्लैक पेपर है, ये वाले ब्लैक पेपर के ऊपर मैं व्हाइट कलर डाल दूंगी, ठीक है, व्हाइट कलर डाल दूंगी तो क्या क्या दिखेगा,
पूरा का पूरा तुम लोगों को व्हाइट कास्ट ही दिखने वाला है। तो थोड़ा सा वेट करना है तुम लोगों को कि जो स्किन के ऊपर तुम्हारे प्रॉब्लम्स है वो हल्के हल्के कम हो जाए, ठीक है। वन साइड में लगा के दिखा रही हूँ, नाइट में टोनिंग के बाद सीरम लगा सकते हैं, ऑफकोर्स सीरम लगा सकते हो, कैप्सूल्स यूज कर सकते हो। वही दीजिए, आपने क्या पूछा मुझे मैसेज का कुछ पता नहीं है, आपने क्या मैसेज किया, आपका मैसेज शायद मुझ तक नहीं आया हुआ है। वन साइड सिर्फ डे क्रीम से ही तुम लोगों का टोन चेंज हो जाता है। डे क्रीम में एक ही डे क्रीम नहीं है, स्विस ब्यूटी का भी है, इसमें भी तीन चार वेरिएंट है। जेल बेस्ड डे क्रीम्स भी अवेलेबल है, क्रीम बेस्ड भी अवेलेबल है, अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप प्रॉपर आप लोगों को सजेशन दिया जाएगा। नहीं जी, आज का लाइव सेशन है, ओनली 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 डेमो, हाल फिलहाल तो डेमो है, अगर टाइम रहेगा तो हम हेयर एक्सेसरीज का लाइव करेंगे। मधुरा दी व्हाट्सअप करना है आपको, आपको एक्सैक्टली स्किन के हिसाब से जो प्रोडक्ट बाय करने हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आता है कि स्किन टाइप कैसी चेक करनी है, क्या चेक करनी है, तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैं बता दूंगी कैसे चेक करना है। डॉक्टर पैक से क्या कॉस्ट है, स्मिता जी कौन से पैक का प्राइस चाहिए, हर प्रोडक्ट का प्राइस आपको मेरे पास कम ही मिलेगा। और अगर तुम लोगों को हल्का सा प्राइस रेंज में चेंज लगे कि मेरे पास कोई प्रोडक्ट अगर हल्का सा 10-20 रुपए से महंगा लग रहा है आप लोगों को, तो उसमें नॉलेज है, ठीक है। ये मेरा मार्जिन है, जो आपको उससे भी कम में दे रहा है उसको कोई पड़ी हुई नहीं रहेगी। सी मेरा एक सिंपल सा फंडा है, जो मेरे पास नॉलेज है मैं आप लोगों को नॉलेज दे रही हूँ, उसका तो पैसा नहीं ले रही हूँ। बट मैं जो प्रोडक्ट आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को सजेशन दे रही हूँ ये वाला सीसी क्रीम, तो ये वाले सीसी क्रीम का एग्जैक्टली नॉलेज लेके जो मेरे पास नॉलेज है या जो मेरे पास सरस्वती है, वो सरस्वती मैं तुम लोग के साथ शेयर कर रही हूं, तो उसका मुझे बैक में अमाउंट चाहिए, ठीक है। ये सिंपल तरीका है। अगर यही क्रीम आपको 150 में मिलता है, बिंदास ले लो, तुम लोग को शेड नंबर बताए जाएंगे, तुम लोग को प्रोवाइड किया जाएगा विदाउट एनी एक्सक्यूज, तुम लोग को 150 में मिल जाएगा। ऐसा अगर चाहिए तो आप वहां से बाय कर सकते हो। बट मेरा मेन एक ये है कि मैं अगर मेरे पास इतना नॉलेज है तो ऑफकोर्स इतना मुझसे भी बहुत ज्यादा सेलर्स है, बहुत ज्यादा मार्जिन रखने वाले, उनको देख सकते हो, वो तो विदाउट डेमो प्रोडक्ट सेल कर दे, तभी तो वहां पे जाके कोई ऐसा नहीं बोलता है कि महंगा है या फिर क्या कॉस्ट है। तो मेरे पास अगर आते हो तो कॉस्ट के लिए सोचना मत, कॉस्ट तुम लोग को जितना कम हो पाए उतना देने की कोशिश करूंगी। बट मेन चीज तुम लोग को हर एक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप और 1 मंथ में, 2 मंथ में, 4 मंथ में तुम लोगों को 101% रिजल्ट मिलेगा। हेयर टचअप प्राइस 220 रुपीज, हाल फिलहाल ऑनलाइन ही है दी, ऑफलाइन अभी तक हमारा कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, ऑफलाइन एकेडमी, ऑफलाइन तुम लोगों का कोई भी चीज स्टार्ट नहीं हुआ है, सो थोड़ा सा वेट करना। स्वाति दी मैंने जो डे क्रीम अप्लाई किया है प्राइस है 250 रुपीज, अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। सीके स्क्रब प्राइस 150 रुपीज दी, ये लाइव सेव रहेगा क्या, नहीं ये वाला लाइव सेव नहीं रहेगा, सो मॉर्निंग तक शायद सेव रहेगा, तो मॉर्निंग तक जितना हो पाए उतना नॉलेज ले लेना। हम लोगों ने कर लिया है मॉइस्चराइजिंग, अगर मॉर्निंग में तुम लोग कहीं पे बाहर जा रहे हो, हॉलीडे में मॉर्निंग में जा रहे हो, तो इसके बाद तुम लोग अप्लाई कर सकते हो सनस्क्रीन। बट अभी मैं नाइट मेकअप कर रही हूँ तो मैं सनस्क्रीन स्किप कर रही हूँ, ठीक है। दी तू मला जी दिली आहेस, ती खूप सुंदर आहे आणि माझी पण स्किन खूप सुंदर झाली आहे। और सबसे पहले आरती जी आपको भी पता रहेगा कि आपने जो भी सेलर से लिया था क्रीम, आपका फेस कैसा हो रहा था, कितने परेशान थे, लिटरली दिन में 10 बार आपने मुझे मैसेज किया रहेगा, दी देखो कैसा फेस दिख रहा है, कैसे पैचेस दिख रहे हैं। आपको ये फील अभी नहीं होगा। अगर सी प्रोडक्ट कहीं से भी बाय करो, अगर नॉलेज नहीं है या फिर वो बंदे ने तुम लोग को प्रॉपरली बताया ही नहीं है कैसे प्रोडक्ट यूज करना है, उसको ही पता नहीं है एग्जैक्टली वो इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसके कैसे वर्क करते हैं, तो कोई फायदा नहीं है। कॉम्बिनेशन स्किन के लिए कौन सा क्रीम लगाए व्हाट्सअप कीजिए, आपको बाय करना रहेगा, आपके पास में डाला जाएगा। पिगमेंटेशन साड़ी का है, पिगमेंटेशन के लिए प्रॉपर स्किन केयर करो, वाटरप्रूफ फाउंडेशन, ईच एंड एवरी कंपनी वाटरप्रूफ निकालती है, ठीक है। अगर वाटरप्रूफ चाहिए तो उसका तुम लोग को लाइव डेमो तुम लोगों को मिलने वाला है अपकमिंग डेज में। 35 डेज व्हाट्सअप कीजिए, सिर्फ 35 सफिशियंट नहीं रहता है, उसके लिए बहुत सारी चीजें भी रहती है। हेलो अश्विनी दी,
अभी मैंने अप्लाई कर लिया है डे क्रीम, बिकॉज मैं नाइट वाला रूटीन कर रही हूँ, नाइट वाला मैं अगर मेकअप कर रही हूँ, हॉलीडे में मुझे नाइट में अगर जाना है तो मैं सनस्क्रीन नहीं लगाऊंगी, तुम लोग भी सनस्क्रीन नहीं लगाओगे। अगर मॉर्निंग में जाते थे आप कहीं हॉलीडे में या फिर बाहर अगर घूमने जा रहे हो तो इसके ऊपर सनस्क्रीन लगा सकते हो। यू आर एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू सो मच दी। ग्रुपला ऐड करा, स्क्रीन पे टैप करो, खुद ही ग्रुप में ऐड हो जाओ। हेयर केयर का लाइव सेशन यूट्यूब पे है, वहां से चेक करके तुम लोग प्रोडक्ट बाय कर सकते हो, हेयर केयर का लाइव सेशन वहां पे सेव है। नेक्स्ट, आफ्टर डे क्रीम मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रही हूँ मेरा प्राइमर। प्राइमर अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप लिया जाता है, कोई भी प्राइमर कोई भी स्किन टाइप नहीं यूज कर सकता है। पोर प्राइमर आते हैं या फिर मैट फिनिशिंग प्राइमर्स आते हैं, इल्यूमिनेटिंग प्राइमर्स आते हैं, काफी सारे प्राइमर्स की रेंज रहती है। 200 से स्टार्ट होता है प्राइमर, 280 300 तक जाता है, 250 के रहते हैं मैक्स टू मैक्स, आई थिंक 280 तक प्राइमर जाता है। ये वाला प्राइमर 280 वाला है, हर स्किन टाइप को नहीं जाने वाला है, अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। मैरी जो लैक्यू ब्यूटी मालियो बहुत सारे है प्राइमर्स, बहुत सारे मेरे पास आई थिंक 11 से 12 प्राइमर्स अवेलेबल है। मैटिफाइंग ये वाला प्राइमर है जो कि हमारे पोर को हम लोगों को करना है क्लॉक, हम लोगों को पोर को पूरा बंद करना है ताकि जो भी हम इसके ऊपर अभी लगाएंगे वो अच्छे से सेट हो जाए। ग्रुप में ऐड कीजिए, खुद ही ऐड हो जाइए दी, वो दी खूब खराब जाली होती माजी स्किन बहुत खराब हो गई थी बिकॉज आपने बहुत ज्यादा पैसे गलत जगह पे क्या कहते हैं गलत जगह पे यूज कर लिए। काजल पेंसिल को आईलाइनर में यूज कर सकते हैं क्या अपर्णा जी, डिपेंड अपॉन आपका कौन सा है। हेलो वंदना जी, हेलो सानवी जी, दी टू डे क्रीम क्वांटिटी जेवड़ी घेतली आहे तितकीच घ्यायची कमी, खूप कमी क्वांटिटी। ऑफकोर्स डे क्रीम इतना कम क्वांटिटी, सी डे क्रीम का बेसिकली तुम लोगों का प्रॉब्लम ये हो रहा है, काफी सारे लोगों के मैसेजेस रहते हैं डे क्रीम का, तुम लोग का प्रॉब्लम ही यही है कि तुम लोग को आफ्टर डे क्रीम ऐसे लगता है व्हाइट कास्ट छोड़ रहा है बिकॉज तुम लोग को अप्लाई करने का तरीका नहीं आता है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, 10 बार मेरे लाइव सेशन रिपीट रिपीट करके देखो कि कितना टाइम दिया है, कि बीच में क्या क्या किया हुआ है। जब तक तुम लोग मुझे अब्सॉर्ब नहीं करोगे, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है ये वाला लाइव सेशन खत्म होते होते ही तुम लोग को बस मुझे ऑर्डर देना है। मेरा वाला काजल कौन सा लिया है एक बार वो मेंशन कर देना, आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको बता दूंगी। ताई ग्रुपला ऐड करा, विजय माला दी स्क्रीन पे टैप करो, ग्रुप अवेलेबल है उसमें डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, नहीं तो व्हाट्सएप पे हाई भी मैसेज डाल दोगे तो अपने आप लोगों को मिल जाएगा। सी हर एक पार्ट हम लोगों को प्राइमर से कवर अप करना है, कोई भी फाउंडेशन या फिर कोई भी टिंटेड अगर सनस्क्रीन यूज कर रहे हो, टिंटेड सनस्क्रीन टिंटेड क्रीम्स मीन्स क्या, एज अ फाउंडेशन लुक। और इतना नॉलेज तुम लोगों को कहीं पे मिलता है क्या, बता देना थोड़ा सा, जरा बताना, पर्पल कलर के जरा हार्ड भेज के बता देना कि तुम लोग को सच में इतना नॉलेज कहीं पे मिलता है क्या। अगर मुझसे एग्री हो कि नहीं मिलता है तो पर्पल कलर के हार्ड्स भेजना, अगर तुम लोग के कुछ सजेशंस है तो वो भी मेंशन कर देना। नेक्स्ट लाइव सेशन में तुम लोगों को कौन सा मेकअप लुक चाहिए वो भी मेंशन कर सकते हो, हर टाइप के मेकअप लुक, हर टाइप का तुम लोगों को क्या कहते हैं, हर टाइप का नॉलेज तुम लोग के साथ शेयर किया जाएगा जो कि थोड़े दिन के बाद चार्जेबल होने वाला है कुछ लोगों के लिए। अगर डीप में अगर तुम लोग को चाहिए तो वो कोर्सेस स्टार्ट होने वाले हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा 4-5 महीने का टाइम है। ओके, पर्पल कलर के हार्ट आ रहे हैं, मतलब सच में तुम लोग को मेरा नॉलेज ठीक लगता है, ठीक नहीं अच्छा ही लगता है, बेटर लगता है, बिकॉज बहुत सारे सेलर है मार्केट में, ऑनलाइन भी है, शॉप्स भी है, कुछ भी हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन होने दो, मेरा यही तरीका रहेगा, प्रॉपर नॉलेज दिए बिना तुम लोगों को नहीं मिलेगा। हो दी अगर खूब पैसे खर्च केले त्या सेलरला दिले ग वेस्ट गेले सगळे, इतना पैसे, इतने पैसे में तो आपका कितना डबल ट्रिपल प्रोडक्ट्स मिल जाता था, है ना आरती दी, आपने जितने पैसे वो सेलर के पास खर्च किए हुए है एक्स वाई जेड, हम लोग को किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, बट जितना पैसा तुम लोग स्पेंड करते हो बट तुम लोग को सच में उसका मिलता है रिजल्ट उतना। डिलीवरी चार्जेस क्या रहेंगे वैदिक दी, डिपेंड ऑन योर लोकेशन, व्हाट्सएप पे आप मुझे पिन कोड भेज सकते हो या फिर लोकेशन बता सकते हो, उस अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा। नाजका नेहा जी, नाजका फाउंडेशन चाहिए तो उसका प्राइस रेंज रहेगा 5,000-3,000 प्लस, बिकॉज नाज में अगर मार्केट में आपको मिल रहा है तो वो डुप्लीकेट है, ठीक है।
थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों के पर्पल कलर के हार्ट्स आ रहे हैं, इट मीन्स सब लोग एग्री करते हो। मुंबई 33 कहाँ का है एग्जैक्टली मुझे तो पता नहीं है। इतना तुम लोग कोड यहाँ पे मत भेजो, कोड मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है, व्हाट्सएप पे भेजना है। नाउ आई एम यूजिंग दिस सीसी क्रीम एंड दिस इज कलर करेक्शन क्रीम, सीसी क्रीम इट मीन्स कलर करेक्शन क्रीम। ठीक है, कलर करेक्शन क्रीम को हम यूज करेंगे, हमारे डार्क स्पॉट सब कुछ हाइड कर लेंगे। डेली स्किन केयर कब क्या करना जरूरी है बताइए शर्मा जी। यूट्यूब पे मेरा बहुत सारा वीडियो सेशन अपलोडेड है, वहां पे जाके चेक कर सकते हो। ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ, मिक्सिंग पैलेट में हम लोगों ने ले लिया है सीसी क्रीम, कुछ भी मिक्स नहीं करी हूँ, ओनली एंड ओनली सिर्फ सीसी क्रीम से सारे मेरे ब्लैक हेड्स, सारे मेरे डार्क स्पॉट्स, यहाँ पे भी डार्क स्पॉट्स है, सारे हाइड करने वाली हूँ। ठीक है, सारे के सारे हाइड करने वाली हूँ। स्किन व्हाइटनिंग के लिए आपको क्या करना है बता दीजिए, स्किन व्हाइटनिंग के लिए क्या चाहिए एग्जैक्टली क्या चाहिए एक बार देखा। आज फर्स्ट टाइम लाइव देख रहे हो, वेलकम टू माय लाइव सेशन। जितने भी लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो प्लीज पेज को लाइक फॉलो करके रखना। नॉलेज के साथ बहुत सारा प्रैक्टिकल नॉलेज, और नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। सी ब्लेंडिंग हमेशा याद रखना है, जहां से स्टार्ट किया है उसी साइड में पूरा ब्लेंडिंग करना है। क्विकली होने वाला है, मैं तुम लोग के क्वेश्चन आंसर कर रही हूँ और इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और लास्ट लाइव सेशन में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से आपके पिगमेंटेड लिप्स है, या फिर अगर लिपस्टिक का ओरिजिनल शेड अगर चाहिए तो किस तरीके से तुम लोग को लिप्स का शेड हाइड करना है। नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स बताइए जी, नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स मीन्स क्या दी, ये क्या है सीसी क्रीम। कलर करेक्शन मैरिजो का प्राइस है 200 अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपका शेड अवेलेबल नहीं है, इसमें जितने शेड रहते हैं सारे शेड्स मेरे पास अवेलेबल है, बट अगर आपको सूट होने वाला नहीं रहेगा, आपका फेस देख के मुझे अगर नहीं लगा तो मैं आपको मना कर दूंगी। बट जनरली सीसी क्रीम में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है, जनरली ये प्रॉब्लम आते हैं कॉम्पैक्ट में। डेली स्किन केयर प्रोडक्ट में खूब छान ग्लो आला आहे, सगळे विचारतात काय लावलं। विजय माला दी, आई थिंक आपको 15 दिन भी नहीं हुए हैं प्रोडक्ट यूज किए बिना। स्किन व्हाइटनिंग के लिए ममता जी, स्किन व्हाइटनिंग के लिए स्किन केयर करो, बाकी कुछ मत करो, स्किन व्हाइट हो जाएगी। मुझे समझ में नहीं आता है व्हाइट स्किन क्यों करनी है आपको, बिकॉज वो प्रोडक्ट पे लिखा हुआ रहता है कि व्हाइटनिंग प्रोडक्ट है करके। सी हाफ में डिफरेंस देख सकते हो, एकदम नेचुरल, ये व्हाइट नहीं दिख रहा है, ये प्रॉपर मेरे स्किन से मैच होने वाला टोन लग रहा है, और ऐसा ही एग्जैक्ट शेड तुम लोगों को भी प्रोवाइड करने वाली हो। अगर तुम लोगों के पिगमेंटेशन है, अगर तुम लोगों का कोई भी व्हाइट स्पॉट्स है, तो सारा का सारा हाइड हो जाएगा, कोई भी कलर करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि नहीं यार मुझे इतनी सारी चीजें नहीं करनी है, तो शॉर्टकट अगर चाहिए लाइफ में, अगर शॉर्टकट चाहिए तो कुछ हद तक शॉर्टकट कर सकते हैं, बट पूरा का पूरा हाइट नहीं होगा। एक कह सकते हैं ना 50% हाइट हो सकता है। ठीक है, डिफरेंस देख सकते हो, ये साइड में डिफरेंस कैसा है, मेरे ब्लैक सर्कल्स, मेरा अंडर आई वगैरह कितना सारा कवरअप हुआ है। सो ये है मैरी जो का सीसी क्रीम, एंड इससे ही मैं ये साइड में भी लगा रही हूं। ब्लेंडिंग करते टाइम एकदम प्रॉपरली ब्लेंडिंग करना है, ताकि हमारा जो फेस है वो पैचे पैचे ना दिखे। आई थिंक आईज एरिया पे मेरा प्रॉपरली ब्लेंडिंग नहीं हो रहा है, बिकॉज आईज एरिया पे ना हमेशा याद रखो छोटू वाला ही ब्लेंडर यूज करो, बिकॉज सी हल्का हल्का ना प्रॉपरली ब्लेंड नहीं होता है। इसके लिए ये साइड में भी मैं प्रॉपरली कर लेती हूँ, मिनी ब्यूटी ब्लेंडर से ही तुम लोग ब्लेंड करना, बिकॉज एकदम प्रॉपरली छोटे छोटे जो कोने रहते हैं ना हम लोग के यहाँ पे, यहाँ के, तो वो प्रॉपरली कवरअप हो जाते हैं। और बिग साइज का ब्यूटी ब्लेंडर अगर ये कोना भी यूज किया तो भी इतना प्रॉपरली कवरअप नहीं होता है। एंड तुम लोग ही रिवाइंड करके देख लेना कि मेरे फेस में कितना चेंज आया हुआ है और कितना नेचुरल फिनिश लुक दिखेगा, एकदम नेचुरल। और हॉलीडे में अगर स्पेशली जा रहे हो तो बस मिनिमम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट लेके जाओ और मस्त सा नेचुरल लुक क्रिएट करो। नेचुरल ब्यूटी बताइए फेस वॉश डे क्रीम जी, आपको स्किन केयर के प्रोडक्ट्स व्हाट्सएप पे बताए जाएंगे। दी मैंने भी सीसी क्रीम मेकअप करा था, बहुत अमेजिंग, मैं पिक डालूंगी जरूर अश्विनी दी। जितने भी लोग अगर यूज कर रहे हो तो ऑफकोर्स 101% हमें रिव्यू देना, दिल से रिव्यू देना, कोई फोर्स नहीं रहता है, ये तुम्हारे दिल से चीजें आती है। जो कि तुम लोग मुझे जब रिव्यू देते हो ना, एक लाइन में रिव्यू नहीं देते, 10-10 लाइन में रिव्यू देते, किसी के लाइव में देखा है इतना रिव्यू,
ठीक है, एक लाइन का रिव्यू देने के लिए भी जान जाती है, बट प्रोडक्ट उतने यूजफुल रहते हैं, उतना तुम लोग को रिजल्ट मिलता है, इसके लिए तुम लोग इतने बड़े बड़े रिव्यूज देती हो। सीआरती दी तो इतना लिखने के लिए भी थक नहीं रही है, कंटिन्यूसली लिखे जा रही है। मैम पार्सल मिळालं आज, सर्व प्रोडक्ट मस्त आहे रिजनेबल रेट मध्ये। थँक्यू सो मच सुनीता दी। नेक एरिया को पूरा कवर अप करना है, बिकॉज नेक एंड फेस एरिया को डिफरेंस नहीं रखना है। छान लुक ये तो अप्लाई किया है। थैंक यू सो मच। सी ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला फ्लैट रखना है, ब्लेंडर का जो पार्ट है वो वाला फ्लैट रखना है, सिर्फ कॉर्नर से ब्लेंडिंग नहीं करना है। बीबी क्रीम का मीनिंग बताओ, बेस बाम। सी डेली बेसिस के लिए अगर कोई क्रीम चाहिए, बीबी क्रीम इज बेस्ट, बट अगर फंक्शनली हॉलीडे के लिए, जैसे कि आज मैंने कहा हुआ है कि अगर स्पेशल हॉलीडे वाला लुक चाहिए तो जरूर सीसी क्रीम ले लेना, बिकॉज अगर तुम लोग के पिगमेंटेशन है, कितना कम क्वांटिटी लिया था, पूरे फेस के लिए पूरा कवर अप हो गया है, और अभी जहां जहां पे मुझे जरूरत है वहां पे पूरा का पूरा मैं कवर अप कर लूंगी। क्या है ये लता जी, पूरा लाइव सेशन देखो, रिवाइंड का ऑप्शन अवेलेबल है, किसी के लाइव में आपके जैसी दीवी नहीं है। थैंक यू सो मच। सी पर्ल एंड सिल्की को कॉपी तो कोई नहीं कर सकता है, पर्ल एंड सिल्की जैसे डेमोज भी कोई भी देगा तो भी पर्ल एंड सिल्की का नॉलेज नहीं दे पाएगा, बिकॉज ये नॉलेज तभी मिलेगा जब तुम मेकअप आर्टिस्ट्री का कोर्स करोगे, या फिर तुम लोग कोई भी बेसिक टू एडवांस अगर कोर्सेज करोगे तभी जाके तुम लोग को वो सारी चीजें पता चलने वाली। अभी सी सर्टिफिकेशन के लिए कोई भी आज के जमाने में मुझे नहीं लगता है कोई ये है, अगर बाजू वाले को भी, बाजू वाले पार्लर वाले को भी बोल दोगे तो तुम लोगों को कोई भी सर्टिफिकेशन दे देगा। बट मैं तुम लोगों को क्यों कहती हूँ कि तुम लोगों को प्रॉपर सबसे पहले मुझे फॉलो करना है, एक से दो महीना या फिर एक साल ले लो, एक साल मुझे फॉलो कर लो, मेरा नॉलेज और मेरी सारी प्रोडक्ट्स के टेक्निक्स सीख लेना, और फिर तुम लोग डिसाइड करना कि हाँ है कि नहीं, टेक्निक्स एंड ट्रिक्स है कि नहीं ये वाले लाइव सेशन में। हमारी दी ओनली वन पीस ही सुवर्णा दी कुछ भी, पर्ल एंड सिल्की का एक ही प्लेटफॉर्म है, कोई अदर पर्ल एंड सिल्की जैसा कोई नहीं बना सकता है, और हम ये वाले पर्ल एंड सिल्की को इतना अच्छे से आगे तक लेके जाएंगे, बहुत आगे तक। अभी किसी किसी को बस प्रॉब्लम हुआ रहेगा हमसे तो वो बात अलग है, बट फिर भी वो भी बाद में आ ही जाएंगे। सीसी क्रीम हैंड नहीं यूज कराएगी का विजय माला दी, सी हैंड ब्लेंडिंग इज डिफरेंट, हैंड से अगर यूज करते हो तो इतना आप लोगों को फ्लॉलेस नहीं दिखेगा, या फिर पैचीनेस दिखेगा। फिंगर से जब भी हम कोई प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं वो प्रॉपरली एप्लीकेशन नहीं होता है, ब्लेंडर में माइक्रो पोर्स रहते हैं जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लेंडिंग होता है, बिकॉज हमारा जो फेस रहता है अनइवन फेस रहता है, छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, तो वो पोर्स में भी जाना चाहिए। आपका शॉप हाल फिलहाल तो दी ऑनलाइन ही है। नाइट क्रीम बता दो हमें, सोनी जी बताई नहीं जाती है, वो डायरेक्टली आपके स्किन के अकॉर्डिंग दी जाती है। इस तरीके से मेरा पूरा का पूरा लुक रेडी हो गया है, और मैं इतनी बातें कर रही हूं, बट अगर तुम लोग ट्राई करोगे, तुम लोग अगर मेरा टाइम काउंट करोगे, बातें छोड़ के अगर मेरा टाइम देखोगे तो जस्ट 15 टू 20 मिनट्स का काम है ये वाला लुक क्रिएट करने का। मैं बस तुम लोग के मैसेजेस रीड कर रही हूं, तुम लोग को मुझे लगता है जितना मेरे पास नॉलेज है, बिकॉज मैं बिलीव करती हूँ जितना मैं तुम लोग को नॉलेज दूंगी उतनी ज्यादा चीजें मैं सीखूंगी, तुम लोग को जितने भी डाउट्स है ना पूछो मुझे, जो भी डाउट्स है मुझे पूछो, मैं तुम लोग के हर एक डाउट का सोल्यूशन दूंगी। अगर मेरे पास सोल्यूशन नहीं है, मुझे कुछ अगर वो चीज का नॉलेज नहीं है, तो जरूर मैं वो चीज पे वर्कआउट करूंगी, ऑफलाइन जाके मैं वर्कआउट करूंगी और उन चीजों का रिप्लाई दूंगी। रिंकल्स के लिए क्या, कोई रिंकल क्रीम नहीं आती बबीता जी, कभी नहीं आती। कोई अगर आपको रिंकल क्रीम दे रहा है तो वो आपको उल्लू बना रहा है। रिंकल के लिए भी प्रॉपर स्किन केयर, हर एक प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है स्किन केयर, तो अकॉर्डिंग टू रिंकल, अकॉर्डिंग टू डार्क स्पॉट, अकॉर्डिंग टू पिंपल, पूरा स्किन केयर का अलग अलग तुम लोगों को प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किया जाएगा। आता गर्मी मध्ये खूप घाम येतो काय करायचं, कोणता फाउंडेशन यूज करायचं, सीसी क्रीम यूज कर सकते हो। गर्मी के टाइम पे अगर बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, उसके पहले थोड़ा सा आइस से मसाज कर लेना, हल्के से पतले वाले कॉटन में लेके मसाज कर लेना। एक्सटेंशन का लाइव आज नहीं है, एक्सटेंशन का लाइव के लिए टाइम है। फेस ब्लैक हो जाता है, स्किन केयर नहीं करते हो तो ब्लैक हो जाता है। आफ्टर दिस हम क्या करेंगे, आफ्टर दिस हम लोग यूज करने वाले हैं आज का ये मैजिकल प्रोडक्ट, जिससे हम लोग पूरा मेकअप लुक क्रिएट करने वाले हैं, फाइनल मेकअप लुक क्रिएट करने वाले हैं। वो कैसे करेंगे, तो ये है मेकअप का, ये वाला है
नियॉन का लिप एंड चिक पेंट वेलवेट टेडी कलर, ठीक है, नहीं वेलवेट टेडी नहीं है मेरा, सॉरी वेलवेट टेडी नहीं मेरा, मेरा बारे पिंक था, एक सेकेंड, मैं जो यूज कर रही हूँ वो बारे पिंक, अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, अगर आप लोगों को इतना पिंकी लुक नहीं चाहिए, नेचुरल लुक चाहिए, तो ये बाकी ऑप्शंस, न्यूड ऑप्शंस भी अवेलेबल है कि हल्का सा टिंट देगा। 249 एमआरपी है, तुम लोगों को मिलेगा 160 रुपीज में। इसमें 5 कलर्स अवेलेबल है, मेरा पूरा मेकअप हो जाएगा उसके बाद तुम लोग को दिखाऊंगी। ना नेक पे ब्लैक नेक हो रहा है कोई क्रीम, नेक पे अगर ब्लैक नेक हो रहा है तो डॉक्टर एशल की स्क्रब एंड पैक यूज कर सकते हो। दी आपको व्हाट्सएप पर मैसेज बता दिया। ओके सोनी जी, आपको जो भी इशू है या फिर जो भी आप लोगों को प्रोडक्ट्स बाय करने हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके रख सकते हो। बारे पिंक 001 शेड नंबर मैं यूज करी हूँ, किस तरीके से यूज करी हूँ वो तरीका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो तरीका बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सीसी क्रीम मैंने यूज की हुई है, इम्पोर्टेड सीसी क्रीम है, दिस इज फ्रॉम मैरी जो, प्राइस है 200, 200। पहले प्राइमर लगाना है, विदाउट प्राइमर कोई भी टिंटेड फाउंडेशन नहीं अप्लाई करना है। सी ये मैं यूज कर रही हूं एक मैजिकल प्रोडक्ट, 1 2 3, ठीक है, एक ही साइड में ब्लेंड करके दिखाऊं कि दोनों साइड में लगा के दिखाऊं। सी यहां पे जस्ट लगा के रख रही हूं, ये है हमारा चिक लिप टिंट, इसको मैं 3 तरीके से यूज करने वाली हूं। सेम प्रोडक्ट तुम लोग एज अ ब्लशर करके यूज कर सकते हो, सेम प्रोडक्ट एज अ आई शेडो करके यूज कर सकते हो, सेम ये वाला प्रोडक्ट एज अ लिपस्टिक करके यूज कर सकते हो। वो कैसे यूज करना है अभी बता रही हूँ। सिंपली फिंगर से ब्लेंडिंग करनी है, कोई भी तुम लोग को अभी हाल फिलहाल ब्लेंडिंग नहीं करनी है ब्लेंडर से, सिंपली 3 डॉट्स लगा लिए है एंड हल्का सा स्माइल करना है एंड इस तरीके से इसको डैब 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 में स्प्रेड करना है, बिकॉज हमारे हैंड्स में वार्मनेस रहता है तो एक हल्का सा नेचुरल लुक आएगा। ये वाला शेड मैं यूज कर रही हूं, अगर इतना पिंकीनेश नहीं चाहिए तो तुम लोग ये दोनों ले सकते हो, ठीक है, इसमें हल्का सा और पिंकीनेश कम हो जाएगा, एक नेचुरल और नेचुरल लुक आएगा। सी डिफरेंस देख सकते हो कितना नेचुरल ब्लश दिख रहा है, एकदम ओवर ब्लश नहीं दिख रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है अलग से प्रोडक्ट लेके जाना भी हम लोग को पॉसिबल नहीं होता है, हॉलीडे में बस हम लोगों ने एक प्रोडक्ट ले लिया, लिप्स को लगा लिया, ब्लशर करके लगा लिया, आई शेडो करके लगा लिया, बहुत बेस्ट लुक हो जाएगा। अभी मैं दिखा रही हूँ, नो मेकअप लुक भी इसको कह सकते हो, और देख सकते हो कि मैंने फिंगर से कितने अच्छे से ब्लेंडिंग कर लिया है। सेम ब्लेंडिंग ये साइड करूंगी, ये साइड में डिफरेंस देख लेना कि ये साइड में ऐसे आर्टिफिशियल लुक लग रहा है, ये साइड में एकदम नेचुरल ब्लशी ब्लशी पिंक दिख रहा है। सी इसी को भी हम ब्लेंड करेंगे फिंगर से ही, सेम फिंगर यूज करने वाली हो एंड अप साइड में इस तरीके से जाना है। पहले स्टार्टिंग में मिनिमम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ले लेना है, बिकॉज अगर ज्यादा हो गया, अगर ज्यादा भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फाउंडेशन वाला अगर ब्लेंडर है तो उससे ब्लेंड कर लेना। सी अभी मुझे लग रहा है ये साइड में मेरा हल्का सा कम है, तो हल्का सा मैं और टिंट ले रही हूँ एंड इस तरीके से डॉट डॉट करके लगा रही हूँ। हल्का सा मुझे थोड़ा सा ज्यादा पसंद है, बिकॉज लाइव सेशन करती हूँ एंड मेरा ब्लशर वैसे भी फेवरेट है। तुम लोग को अगर इतना लुक नहीं चाहिए, इतना पिंकीनेस नहीं चाहिए, तुम लोग अदर कलर्स के लिए जा सकते हो, फिर भी मैंने ये एक नेचुरल लुक ही लिया हुआ है और देख सकते हो कितना नेचुरल लुक लग रहा है, एकदम प्रॉपर नेचुरल लुक लग रहा है। हम लोग कैसा लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे और अपने फेस पे ऊपर कौन सा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आप मुझे बस व्हाट्सअप कर देना। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है चिक प्रिंट कौन सा यूज करें, मुझे व्हाट्सअप कर देना, आप लोगों को एग्जैक्टली सजेशन दिया जाएगा। सी अभी हमने यूज कर लिया है एज अ ब्लशर करके, थैंक यू सो मच मैत्रिणी, खरच माझी स्किन खूप खराब झाली होती, मी उद्या दिला माझा एक पीक पाठवते आहे, तुम्ही बघा आणि मी सगळे प्रोडक्ट्स परत दिकडं। हाँ पहले ये भी बता दो कि गलत सेलर के पास चले गए थे, गलत सेलर के वजह से स्किन भी खराब हुआ, वो भी मेंशन कर दो। सी सेलर और शॉप्स यहाँ पे कमी नहीं है, कहीं पे भी जा सकते हो, जर आपले पैसे, एक सेकेंड क्या मैसेज है। सी पैसे है
तो खर्च मत करो, अगर ज्यादा पैसे आ गए तो पॉलन सिल्की में दे दो, हम कोई अच्छे काम के लिए यूज कर लेंगे। हल्का सा ये वाले पोर्शन पे भी लगा लेंगे, एक नेचुरल लुक आएगा यहाँ पे भी, एकदम हल्का सा। क्वांटिटी कितना यूज करी हूँ देख लेना, नोज एरिया को भी लगाना है और हल्का सा फोरहेड पे, ठीक है। ये नेचुरल स्पॉट्स है जहां पे हम लोग को टेंट लगाना है, ज्यादा नहीं अप्लाई करना है, एकदम हल्का सा। अगर ऐसा लगे कि टेंट अगर ज्यादा हो गया है तो जो जो ब्लेंडर से हमने फाउंडेशन लगा लिया था हल्का सा उसको ब्लेंड करना है, मतलब एकदम ज्यादा लुक नहीं आएगा। हल्का सा मैंने फोरहेड पे लगा लिया है, इसी को एज ए आई शेडो करके लगाएंगे ताकि आई शेडो लेके जाने की भी जरूरत नहीं है। सिंपली फिंगर से हम लोग कर रहे हैं डैब 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 डैब। फ्रेग्रेंस तो काफी सुंदर है और लुक भी, मैं कहूंगी तुम लोग फाइनल लुक देखना कि कितना सुंदर दिख रहा है। आफ्टर सीसी क्रीम ही ये वाला प्रोडक्ट यूज करना है, उसके ऊपर उसके पहले तुम लोग को ना ही प्रोडक्ट लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है, डायरेक्टली तुम लोग को लगाना है। देख सकते हो एक हल्का सा नेचुरल पिंकिश लुक आया है, ठीक है, हल्का सा एक नेचुरल पिंकिश लुक आया है। इसी को हम यूज करेंगे एज अ आई शेडो, सी एज अ आई शेडो, हल्का सा इस तरीके से लेना है एंड आईज के ऊपर लगा लेना है। किस तरीके से लगा रही हूँ टेक्निक देख लेना। सी टेक्निक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रोडक्ट तुम लोग के पास है। टिंट की बहुत सारे लोगों ने लिए रहेंगे अदर सेलर से भी, बट पता नहीं रहेगा किस तरीके से यूज करना है, तो आज ही देख लेना कि एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका से किस तरीके से तुम लोग पूरा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। सिंपली आई मेकअप भी तुम लोग का इसी से कम्प्लीट हो जाता है, तुम लोगों का एज अ ब्लश भी इसी से कंप्लीट होता है और तुम लोग का लिपस्टिक भी इसी से कंप्लीट होने वाला है। कैसे, उसके लिए वेट एंड वॉच। और मेरा वाला जो शेड है, जरूरी नहीं है यही यूज करना चाहिए, इसमें पांच शेड्स है, सारे शेड्स बैक साइड से दिखाऊंगी। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन सा वाला यूज करूं, मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं बता दूंगी। मी तुझाकडून घेत आहे, मी सेम टेन घेतले आहे, यस। सुवर्णा जी स्किन केयर करो, स्किन केयर के प्रोडक्ट आपको व्हाट्सएप पे सजेशन दिए जाएंगे। लिप्स के ऊपर पिगमेंटेशन है, लिप स्क्रब यूज करो, लिप्स को एक्सफोलिएट करो। सी एक नेचुरल फिनिश वाला लुक दिख रहा है आई शेडो, ठीक है। आई शेडो ऐसे भर के उभर के नहीं आ रहा है, जितना भी आई शेडो मैंने लगाया हुआ है एकदम क्विकली सिर्फ और सिर्फ फिंगर से लगाया हुआ है। कितना टाइम लगा है मुझे ये वाला प्रोडक्ट लगाने के लिए तुम लोग ही काउंट कर लेना, या फिर रिवाइंड करके भी देख लेना, और तुम लोग को ही पता चलेगा कि कितना टाइम लगता है। ज्यादा बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है, एकदम हल्के हल्के हाथों से तुम लोगों को बस डैब डैब करना है। ये हो गया तुम लोगों का एज अ ब्लशर, एज अ आई शेडो। बाद में इसी का हम लोग यूज करके बताएंगे। हो बुद्धि पूर्ण मैसेज वाचा म्हणजे कळेल मैत्री नना, यस। मी पण घेतले आहे, ओके वंदना दी। कुछ भी अलग से आई शेडो लगाने की जरूरत नहीं है, हल्का सा यहाँ पे फिर से लगा लेंगे। काफी सुपर्ब है, एक नंबर प्रोडक्ट है, ठीक है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, ज्यादा प्रोडक्ट्स अगर कैरी नहीं करने हैं तो ये वाला बेस्ट ऑप्शन है। लिप एंड चिक टेंट लिप्स के लिए मैं बाद में करने वाली हूँ, लिप्स के लिए बाद में यूज करने वाली हूँ। सी ये वाला एप्लीकेशन के बाद हमें क्या करना है, ठीक है। अगर ये वाला लगा के ऐसे ही छोड़ दोगे तो प्रॉपर नहीं दिखेगा, ठीक है, प्रॉपर नहीं दिखेगा। इसी के ऊपर हम लोगों को हल्का सा ये फाउंडेशन वाला ब्लेंडर लेना है, हल्के से इसके एजेस को हम लोगों को ब्लेंड करना है ताकि जो भी हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है वो पूरा का पूरा फाउंडेशन के साथ मिक्स हो जाए, अलग से पैचिनेस ना दिखे। आप सर्वगुण संपन्न है, थैंक यू सविता दी। हल्के से एजेस को, बस एजेस को हम लोग को ब्लेंड करना है। जिस ब्लेंडर से हमने अप्लाई किया था फाउंडेशन उसी ब्लेंडर से हल्का सा जहां जहां पे लगाया हुआ है ना वो वाला एजेस मैं बस कर रही हूं ताकि एक मर्ज हो जाए। जो फाउंडेशन अप्लाई किया है, जो टिंट अप्लाई किया है, टिंट का कलर फाउंडेशन का कलर मर्ज होना चाहिए और एक नेचुरल फिनिश दिखना चाहिए इसके लिए, ठीक है। ये प्रोसीजर होने के बाद ये पूरा मेकअप हम लोग लॉक करेंगे सेटिंग पाउडर से। मालियो का सेटिंग पाउडर है, अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप आप लोगों को ये वाला प्रोवाइड किया जाएगा। एंड दो मिनट रुक जाओ, मेरी फेस स्किन लूज है उसके लिए कुछ प्रोडक्ट, फेस लूज है तो उसके लिए प्रोडक्ट्स तुम लोगों को व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। लिपस्टिक कुठली छान आहे तुमच्याकडे, सगळ्या लिपस्टिक माझ्याकडे जेवढ्याही असतात तेवढ्या छानच असतात। वेदो सी नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ सेटिंग पाउडर,
ये है हमारा माली उसे मम्मी तिला बोला तिला सन ब्लैक कलर सा फॉर फन मजे चुके ठीक है। अभी पूरे पूरे मेकअप को हम लोगों को करना है लॉक बेटा मजे ट्रायंगुलर फॉर फन ना शेल्फ मध्ये माझ्या मिररच्या मागे ट्रायंगुलर ब्लैक कलर सा ठीक है। अभी जितना भी मेकअप किया है उसको लॉक कैसे करेंगे, क्या मैं इसके ऊपर पूरा पाउडर थपथपा दूंगी, पूरा पाउडर थपथपा दूंगी तो फिर क्या मेकअप रहेगा ठीक है, पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। तो मैं ये मेरे पूरे मेकअप को सेट करने वाली हूँ सेटिंग पाउडर से, ताकि मैं कितना भी घूमू कितना भी पसीना आ जाए कहीं पे भी मैं जाऊँ तो ये वाला मेरा प्रॉपर लुक रहे ठीक है। ये वाला पफ अलग से आता है, ये वाला पफ इसमें नहीं मिलता है, इसमें अलग पफ रहता है। इसको इस तरीके से हम लोग ब्लेंड कर लेंगे, नहीं तो पैच पैच दिखेगा। और हल्का हल्का जहां जहां पे हमने ब्लशर नहीं लगाया है ब्लशर को छोड़ के बाकी सारे जगह पे हम लोग ब्लेंडिंग कर लेंगे। पफ बहुत ही काम का है, बस 40 रुपीज का पफ है ये वाला, बट बहुत ही ज्यादा वर्क करता है। पाउडर लेने के बाद हैंड्स के ऊपर हल्का सा उसको रब करना है ताकि वो पफ में अच्छे से मिक्स हो जाए एंड हमारे जितने भी एजेस है या फिर जो भी हमारे पार्ट्स है बाकी के ब्लश एरिया को छोड़ के एकदम कम क्वांटिटी लगाना है। ड्राइनेस नहीं हम लोग को चाहिए, बस जितना फाउंडेशन लगाया है उसको हम लोग कर रहे हैं लॉक। लॉकिंग प्रोसेस हम लोग का होगा सेटिंग पाउडर से। कॉम्पैक्ट पाउडर अगर ये वाला लुक कर रहे हो तो कॉम्पैक्ट पाउडर मत यूज करना ठीक है। अगर ये वाला टिंट से कर रहे हो, मेरे जैसा अगर लुक क्रिएट कर रहे हो तो रिक्वेस्ट करूंगी कि कॉम्पैक्ट से मत करना, बिकॉज कॉम्पैक्ट का लुक जो है वो पैची पैची दिखता है। एकदम मिनिमम क्वांटिटी, जब से आपका लाइव देख रहे हैं पार्लर में मनी बचते हैं, अब ओनली थ्रेडिंग के लिए जाना पड़ता है। थैंक यू सो मच सोनाली दी, थैंक यू सो मच। बनाना पाउडर चल जाएगा, यस बनाना पाउडर यूज कर सकते हो। कॉम्पैक्ट से ये वाला सेट नहीं करना है, और जहां पे हम लोगों ने ये वाला ब्लश यूज किया है हल्का सा उसके एजेस के ऊपर लगाना है ठीक है। पूरा उसके ऊपर नहीं लगा रही हूँ, एजेस को लगा रही हूँ ताकि मेरा जो टिंट है वो अच्छे से तुम लोगों को दिखे। और देख सकते हो मेरा आई शेडो भी कितना सुंदर लग रहा है, कोई भी ब्रश नहीं लिया है, कुछ नहीं लिया है, जस्ट लूज पाउडर से मैंने पूरा मेकअप मैंने सेट किया है, कुछ नहीं लगाया है। तुम लोग के सामने है मैंने कितने मिनिमम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट यूज किए हैं, इसका क्वांटिटी भी मैंने कितना लिया आप लोगों को पता है। लूज पाउडर पीपी 230 रुपीज। हेलो अनुराधा दी, मैंने पूरे फेस को मैंने लॉक कर दिया है, जितना भी फाउंडेशन अप्लाई किया था उसको मैंने लॉक कर दिया है। लॉकिंग प्रोसेस जो किया है वो सेटिंग पाउडर से ठीक है। आफ्टर दिस मैं यूज करूंगी अभी मेरा लाइनर काजल, और लाइनर काजल से ही देखना तुम कितना चेंज आता है हमारे फेस में। लाइनर फ्रॉम मैरी जो डार्क इंटेंसिटी वाला काजल है, सॉरी लाइनर नहीं है, काजल लगा रही हूँ। 200 अनेबल टू व्हाट्सअप यू। प्रार्थना दी क्यू ऐसा हो रहा है, 7977432518 इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। सी एक सिंगल काजल से तुम्हारे आईज में कितना डिफरेंस दिखता है, मैं सिर्फ एक साइड कवर अप कर रही हूँ, एक साइड कवर अप करके दिखा रही हूँ कि फेस में कितना डिफरेंस दिखता है सिर्फ काजल और लाइनर से। एक ही काजल से कितना डिफरेंस आया है अभी दिखाऊंगी, एक लाइनर से कितना डिफरेंस आता है। काजल फ्रॉम मैरी जोक 200, लाइनर फ्रॉम मालियो 200 एंड सच में कहूंगी बेस्ट लाइनर है, मैट वाला चाहिए तो बहुत बेस्ट है। मैम फेस के स्किन लूज है, स्किन केयर करो बबीता जी। मला है काजल पाहिजे थी, यस मेल दी काजल। ओके रागिनी दी व्हाट्सअप कर देना, सब जिनको भी चाहिए व्हाट्सअप करके रखो। कॉम्बिनेशन स्किन साड़ी फेस वॉश ऐसे नहीं बताया जाता है दी, ऐसे आपको बाकी सेलर बता सकते हैं बट मैं नहीं बता सकती, बिकॉज मैं सजेशन देती हूँ अकॉर्डिंग टू स्किन, देख के पूरे दो तीन चीजें बता के। मुझे एक बताइए वो आजकल HD पाउडर आ रही है वो क्या रियली इफेक्टिव है। दीपा जी अगर आपको लगता है तो जरूर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट HD पाउडर मैं नहीं सजेस्ट करती। तुम लोग बस इतनी ही दुनिया में हो,
तुम लोग उस दुनिया से बाहर नहीं निकल रहे हो, इसके लिए तुम लोग एचडी पाउडर के पीछे जा रहे हो। एचडी पाउडर ही लेना है तो ले लो ना, आंबे हळद ले लो, उसमें हल्का सा टिंट डाल दो और यूज कर लो। बेस्ट बेस्ट लाइनर, बेस्ट काजल। आईज में डिफरेंस, हाफ डिफरेंस देख सकते हो। ये लुक मेरा अच्छा लग रहा है कि ये वाला, सी हाफ हाफ में डिफरेंस देख लेना। मेरी आईज काजल लगाने से वह छोटी लगती है। ओके, व्हाइट काजल यूज करो दी। काजल पसरत त्यासाठी काय करायचे, काजल पसरत त्याच्यासाठी सांगते टेक्निक, वो भी टेक्निक है हमारे पास। सी डिफरेंस देख सकते हो कितना डिफरेंस देख रहा है, तो इसको भी बुरा ना लगना चाहिए, तो हम इसको भी कवर अप कर लेते हैं। एंड ऑफ द लोअर लैश हम लोग स्टार्ट करेंगे। सी अब देख सकते हो डिफरेंस, और काजल ना फैलना चाहिए। काजल कौन सा है, मैरी जोक, इसका पूरा नाम निशान चला गया है, सो इस पे तुम लोग को दिखेगा भी नहीं। डिफरेंस देख सकते हो दोनों आईज में कितना डिफरेंस देख रहे हैं। और इसी साइड में अभी मैं लगाऊंगी लाइनर, कोई भी नीड नहीं है, आज मैंने डेमो दिखा दिया। तुम लोग इम्प्रेस हो जाओगे और मुझे व्हाट्सअप करोगे मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, जी नहीं, मेरे यूट्यूब पेज के ऊपर जाके चेक कर लेना, मेरे बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है, स्किन केयर रूटीन सब अपलोडेड है। मेरा इंस्टाग्राम पेज है पोलन सिल्की नाम से, वहां पे भी बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल है, उससे तुम लोग को बहुत सारी आइडिया आ जाएगी कि हम किस तरीके का लुक सिखाते हैं या फिर प्रोडक्ट पे कितना कॉन्सेंट्रेशन रहता है हमारा। प्रोडक्ट पे सिर्फ तुम लोगों का नॉलेज के लिए कॉन्सेंट्रेशन रहता है, बाकी तुम लोगों ने बाय करना चाहिए ये बिल्कुल फोकस नहीं है। मैंने लिया था एचडी पाउडर, बिल्कुल अच्छा नहीं है, फेस पूरा ब्लैक हो गया था हर्षु के स्किन केयर रूटीन से, अब अच्छा हो गया है। चलो रिव्यू देख लो, ये वाला रिव्यू थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो, थोड़ा सा फिर से भेज देना दी। माझी मुलगी बोलते है मम्मी तुला लाइनर सूट नहीं हो दी, अगर प्रॉपरली लगाओगे तो सूट हो जाता है। एचडी पाउडर का किसको रिव्यू था जरा जो सेलर ने लिया हुआ है उनसे ही पढ़ लेना कि उनका एग्जैक्टली क्या रिव्यू है। इतना ही शॉर्टकट चाहिए ना तो ले लो ना, तुम लोगों को अगर शॉर्टकट ही चाहिए ना नॉर्मल अपना कलर चेंजिंग फाउंडेशन ले लो, शॉर्टकट हो जाएगा, बट ये सारे टेक्निक्स मत यूज करो। और ये न्यू टेक्निक नहीं है एचडी पाउडर की, न्यू टेक्निक नहीं है, ये ओल्ड टेक्निक है जिसको तुम लोग अभी यूज कर रहे हो। दी मी खरच नको त्या सेलर कडून खूप पैसे खराब के लिए आए। आरती दीवी परेशान है। सी अभी मैं कर रही हूँ आईब्रो को डिफाइन, तो आईब्रो को डिफाइन मैं ब्राउन कलर से आईब्रो से करूंगी, हल्का हल्का उसको डार्क करूंगी एजेस को, देन उसको कोम करूंगी। आईब्रो पेंसिल का प्राइस है जस्ट फॉर 50 रुपीज। ये वाटर प्रूफ है क्या, क्या चीज बोल रहे हो, आजकल हर प्रोडक्ट वाटर प्रूफ रहता है दी, हर प्रोडक्ट। काजल फैलना नहीं चाहिए उसका सुवर्णा दी ने क्वेश्चन पूछा है, तो वो भी बताएंगे, थोड़ा सा वेट करना, एंड तक लाइव सेशन को देखना। काजल में ब्राउन भी आती है एंड ब्लैक भी आती है। अगर तुम लोग को प्रोडक्ट चाहिए ना कम प्राइस में चाहिए, या सिर्फ ऐसा चाहिए कि हाँ मुझे कोई फटाफट बता दे, आपने जो क्वेश्चन पूछा है फटाफट बता दे, फटाफट प्रोडक्ट दे दे, ऐसा अगर चाहिए तो ढेरों सारे तुम लोग को सेलर्स मिल जाएंगे। मेरे पास अगर आ रहे हो, मेरे पास कुछ क्वेरी कर रहे हो, तो थोड़ा सा तुम लोग को टाइम लगेगा। तुमची फीस आहे का व्हाट्सअप पर, जी नहीं कोई फीस नहीं है गायत्री दी, ओल्ड इज गोल्ड होता है ना दी, एचडी पाउडर के पीछे मत भागो। जाने दो वो एचडी पाउडर वाले फालतू में दिमाग खराब कर देंगे, ठीक है।
सीसी क्रीम यूज करो, ठीक है, स्किन के हिसाब से प्रोडक्ट यूज किया करो। जो सर्टिफाइड प्रोडक्ट नहीं है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, तुम लोगों के पास जब भी प्रोडक्ट आ रहा है तो उसके ऊपर कुछ नाम है, कुछ नामों निशान है, तो कैसे तुम लोग बिलीव करते हो? तुम लोग अनपढ़ गवार हो? मैं कहूंगी कि जो ले रहा है वो अनपढ़ गवार है, फिर तो ले लिया है तो पछता रहे होंगे तुम लोग। आईब्रो पेंसिल बहुत अच्छे से लग जाती है, इजीली मर्ज हो जाती है, और एंड प्रॉपरली कोम करेंगे तो बहुत अच्छा लुक आता है, बिकॉज फाउंडेशन वगैरह लगाने के बाद आईब्रोज प्रॉपर नहीं दिखते। तुम लोग ही रिवाइंड करके देख लेंगे कितना अच्छे से मेरा टिंट भी दिख रहा है, एक नेचुरल लुक दिख रहा है। पाउडर जब भी लगाते हैं, पाउडर वाला ब्लश लगाते हैं, वो अलग लुक आता है, बट ये वाला आज का जो लुक है ना, वो एकदम नेचुरल लुक लिप और चिक टिंट से है, ठीक है। अभी मैं यूज करने वाली हूँ टिंट फॉर माई लिप्स, तो लिप्स के लिए मैं यूज कर रही हूं पहले पेंसिल, डार्क कलर का लिप लाइनर यूज कर रही हूं। ठीक है, डार्क कलर का लिप लाइनर मैंने अप्लाई कर लिया है, एंड मैं अप्लाई करूंगी एक ही प्रोडक्ट कितने सारे चीजों से वर्क किया है। जरूर अगर तुम लोग को हॉलीडे पे अभी जाना है, या फिर तुम लोगों का प्लानिंग है, या फिर नेक्स्ट मंथ में जाने वाले हो, तो ये ट्रिक बिल्कुल मुझे मेकअप करके मुझे जरूर रिव्यू देना कि मैंने जितना भी तुम लोगों को आज का ट्रिक्स बताया वो तुम लोगों को यूजफुल हुआ है कि नहीं। आई शेडो लुक देख लेना कितना नेचुरल लग रहा है, लिप्स पे और ब्लशर पे भी कितना सुंदर लग रहा है। सेम टिंट मैं यूज कर रही हूँ, सेम बारे पिंक ही मेरा शेड है, सेम टिंट। आप लोग अगर चाहो तो दो लेके तुम लोग दो मिक्स कर भी सकते हो, ठीक है, बट मुझे ये वाला जो लुक था ना, ये बहुत अच्छा लगा था, तो मैं पूरा सेम रख रही हूँ। बट तुम लोग ये कलर का सिर्फ ब्लशर और आई शेडो करके लिप्स पे तुम लोग अलग टिंट भी लगा सकते हो, सी फिंगर से ही एप्लीकेशन होगा। अभी मुझे बता देना कि कैसा लुक लग रहा है। लिप लाइनर नहीं है, लिप लाइनर चाहिए तो पेज पे मैरी जो का अपलोडेड है वो मिल जाएगा। ये स्विस ब्यूटी का है, स्विस ब्यूटी का पूरा पैक मिलेगा 480 का, 799 MRP है। कैसा लुक लग रहा है वो तो मेंशन कर देना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। कितने प्रोडक्ट लगे अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो, कितने कम प्रोडक्ट्स में तुम लोगों का पूरा कैसा लग रहा है? किस किस को अच्छा लगा, किस किस को अच्छा लगा, चलो बताते जाओ। एंड देखो लिपस्टिक भी कातिलाना लग रही है, वाव लुक आ रहा है, मुझे तो वाव लगा है। तुम लोग मुझे बता देना कि कैसा लुक रहा है। टिंट का प्राइस है जस्ट फॉर 160 रुपीज, बहुत सारे शेड्स अवेलेबल है, 5 शेड्स अवेलेबल है, सारे शेड्स मैं दिखा दूंगी बैक साइड से। सी यही मैंने जो टिंट है लिप एंड चिक टिंट, यही टिंट मैंने एज अ ब्लशर करके लगाया, जो कि नेचुरल सा लुक दिख रहा है, यही मैंने एज अ आई शेडो करके लगाया हुआ है। सिर्फ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, कोई भी मैंने ब्रश का यूज नहीं किया है, कुछ नहीं, एक सिंगल प्रोडक्ट मैंने सिंगल फिंगर से कितने टेक्निक से तुम लोगों को सिखाया, इतनी चीजें तुम लोगों को सीखने मिलती है। और अभी मुझे बता देना कि ये लुक तुम लोगों को कैसे लगा, ये लुक मुझे बता देना कि तुम लोगों को कैसा, नो मेकअप लुक भी इसको कह सकते हो, ठीक है। जिनको लग रहा है मेकअप किया हुआ लुक लग रहा है तो ठीक है, बट आता है तभी हम कहते हैं, बिकॉज उतना एजुकेशन हमारे पास है, और हम चाहते हैं कि हमें अगर कुछ चीजों का नॉलेज है तो हम आप लोगों के पास वो नॉलेज लेके जाए। खूब सुंदर, थैंक यू सो मच, कैसा लग रहा है, एकदम सुपर्ब लुक। अगर तुम लोग चाहो तो टिंट चेंज कर सकते हो, लिपस्टिक के लिए तुम लोग नॉर्मल लिपस्टिक भी यूज कर सकते हो, बट सिर्फ एक प्रोडक्ट लेके गए हो, एक फाउंडेशन लेके गए हो और स्टार्टिंग के प्रोडक्ट लेके गए हो, तो कितना सुपर्ब लुक। लिप लाइनर अवेलेबल नहीं है दी, लिप लाइनर ये वाला मिल जाएगा, बट इसका पूरा 12 पीसेस का, 12 कलर्स का बॉक्स मिलेगा, 480 रुपीज का मिलेगा। अगर सिंगल सिंगल लिप लाइनर चाहिए तो पेज पे अपलोडेड है मैरिज ओके। लुक कैसा लग रहा है, एक सिंगल छोटा पैकेट बड़ा धमाका,
कैसा लुक लग रहा है मुझे मेंशन कर देना, एक इतनी से क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी है देख लेना, इतनू से क्वांटिटी में मैंने कितना सारा मेकअप किया है, मेकअप नहीं बोल सकते, एक नेचुरल लुक क्रिएट किया, ब्लश भी मैंने इसी से लगाया, लिपस्टिक भी मैंने इसी से लगाया और आई शेडो भी मैंने इसी से लगाया। अगर तुम चाहो तो आई शेडो स्किप कर सकते हो, तुम लोग ब्लश भी स्किप कर सकते हो, सिर्फ एज अ लिपस्टिक करके भी लगा सकते हो, सिंगल अपने फिंगर से। मस्त सभी, थैंक यू सो मच डॉक्टर एशल। बॉडी पैक प्राइस है 180 रुपीज, शिपिंग कितना है अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन? शिपमेंट रहेगा मिनिमम 50 से लेके 120 तक, 100 तक रहता है। वाओ लुक्स, थैंक यू सो मच। जरूर सभी को कहूंगी, अगर समझ में नहीं आते हैं कलर्स की, तुम लोग के स्किन को कौन से सूट हो जाएंगे। सी इसमें ना शेड्स ऐसे हैं, कोई डार्क शेड है, कोई ब्राउन है, कोई न्यूड है, कोई डार्क पिंक है, कोई लाइट पिंक है। अगर नहीं समझ में आता है ना, अगर ये चीजों का नॉलेज है नहीं है, मुझे बस पिक शेयर कर देना, मैं तुम लोग को सजेस्ट कर दूंगी कि इसमें से कौन सा शेड तुम लोग के ऊपर बहुत अच्छे से दिखेगा। बिकॉज सी अगर हम लोगों को ब्लेंडिंग या फिर हम लोग को कलर व्हील क्या होता है वो तो तुम लोग को पता नहीं रहेगा। कलर व्हील का अगर नॉलेज है डीपली, अगर ये सारी चीजों का नॉलेज है, तो तुम लोग को थोड़ा सा दिक्कत होगा कि हम लोग कौन सा यूज करें। दी मुझे भी चाहिए ये ड्रेस, सोनी जी मिल जाएगा, सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। वेयर इज योर शॉप? हाल फिलहाल तो हमारा ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन जल्द ही स्टार्ट होगा, जब स्टार्ट होगा आप लोगों को बताया जाएगा। अभी पूरा मेकअप तो मैंने कर लिया है, तो उसको हम करेंगे सेट, हम लोग सेट करेंगे हमारे सेटिंग फिक्स्ड एंड मिस से, जिससे पूरा का पूरा नेचुरल और हाइलाइटिंग लुक दिखेगा। कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, काजल लगाते हो फैल जाता है। रागी निधि ने फिर से याद दिला दिया है कि काजल अगर लगाते हैं तो फैल कैसे जाता है। सबसे पहली बात तो काजल जो भी लगाते हो, पता नहीं कौन से ब्रांड का लगाते हो, कौन सा लगाते हो, मुझसे अगर काजल लगाते हो तो बहुत कम चांसेस है फैलने का। अगर ऐसा हो भी जाता है कि काजल तुम्हारा बहुत ज्यादा फैल जाता है, तो सिंपली तुम लोगों को क्या करना है, सिंपली तुम लोगों को लेना है लूज पाउडर। लूज पाउडर को हल्का सा क्वांटिटी और एकदम छोटू वाला पफ से तुम लोगों को करना है लाइनर को ब्लॉक, सॉरी काजल को करना है ब्लॉक, पाउडर पफ से पाउडर लेना है, काजल को करना है इस तरीके से लॉक। सी मैट लुक दिख रहा है, ये वाला हो गया हमारा लॉक, ताकि इसके ऊपर आंखों से पानी भी आ जाएगा तो भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा और तुम लोग का लॉन्ग लास्टिंग काजल रहेगा, नीचे उतरेगा नहीं। ठीक है, ये सेकेंड टेक्निक तुम लोग को दिखा रही हूं, इतने टेक्निक एक लाइव सेशन में कोई दे पाएगा बताओ? येलो कलर के हार्ट्स भेजो थोड़ा, एकदम आंखों में नहीं डालना है, जस्ट हल्का हल्का सी मैटिफाइंग लुक दिख रहा है, तुझ्याकडून तर घेतले आहे अजून कुठे जाना है। सी हल्का सा मैटिफाइंग लुक हो गया, तो ये हमने कर लिया हमारे काजल को लॉक। सी हल्का सा पाउडर ले रही हो, उसको पूरा ब्लेंड करियो, आपसे लिया है, ओके। सी इस तरीके से हम करेंगे पाउडर पफ से उसको लॉक। ठीक है, बस लोअर लीड पे नहीं करेंगे, हल्का सा नीचे भी हम लगा लेंगे, ताकि नीचे भी जितना हमने लगाया हुआ है वो प्रॉपरली सेट हो जाए। सी प्रोडक्ट बाय करना कोई बड़ी बात नहीं है, ब्रांड्स हर जगह पे मिलेंगे, प्राइसेस कम ज्यादा मिलेंगे, बट प्रॉपर सजेशन तुम लोग को हर जगह पे नहीं मिलने वाले हैं। लूज पाउडर फ्रॉम मालियो, प्राइस है 230 रुपीज, एंड देख सकते हो कि ये वाला मैट पूरा लुक हो जाने के बाद, अच्छा सा पाउडर सेट करने के बाद, इसी के ऊपर री एप्लीकेशन करना है काजल का। डिफरेंस दिख रहा है, थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूं, डिफरेंस दिख रहा है। हमने क्या किया है, हमारा जो ओरिजिनल काजल था उसको हम लोगों ने पहले लॉक कर दिया है पाउडर से। ठीक है, और ये टेक्निक तुम लोगों को कहीं पे पता थी, किसी सेलर ने किसी भी 5 साल 6 साल से कोई सेल भी कर रहा होगा, उस सेलर को भी ये टेक्निक्स पता नहीं रहेंगी। बिकॉज ये सारी टेक्निक्स जो थरोली या फिर मेकअप आर्टिस्ट के जो कोर्सेज करते हैं या फिर मेकअप इंडस्ट्री में जो ऑलरेडी जाके आया हुआ है, भले ही वो 7 दिन का हो, भले ही 3 दिन का कोर्स क्यों ना हो, बट उनको ही इतना डीपली नॉलेज रहता है। मैंने तो कितने कोर्सेस किए रहेंगे, 3 दिन के 7 दिन के, 1 डे कोर्स, क्रैश कोर्स, बहुत सारा किया है, इसके लिए हमको नॉलेज है। फिर से अप्लाई क्यों करना है काजल, ताकि जो पाउडर अप्लाई किया है ना
वो भी अच्छे से सेट हो जाए और लॉक हो जाए। सी इस तरीके से हम लोग को हमारे काजल को लॉक कर लेना है। अभी तुम लोग कितना भी रो लो ये वाला उतरेगा नहीं। काजल नहीं, ये वाला है मैरी जोक का, काजल मालियो का नहीं है, काजल है मैरी जोक का। प्राइस है 200। पाउडर से लॉक करना है, तुम लोग कितना भी रो लो कुछ भी कर लो तुम लोगों का प्रोडक्ट कहीं पे नहीं जाएगा। और ये टेक्निक तुम लोग को कहीं पे इंस्टेंटली, मुझे सुवर्णा दी ने पूछा, इंस्टेंटली मुझे रागी दी ने पूछा, इंस्टेंटली तुम लोग क्वेश्चन पूछो उसका आंसर इंस्टेंटली तुम लोग को मेरे पास मिलेगा। बिकॉज उतना हमें प्रोडक्ट नॉलेज के साथ मेकअप का भी नॉलेज है। अभी जो बचा हुआ था उसको भी लगा लिया पाउडर को। एंड देख सकते हो मेरा लुक अभी खत्म नहीं हुआ है। लास्ट वाला प्रोसीजर करना ना भूलना। सबसे एंड में हम लोगों को लेना है ये मेकअप मिस्ट। मेकअप मिस्ट को शेक करना है। तुम्हें कुठे लाया? मुंबई वरुण आई जरा हमें येलो कहीं पे मिलता है? कितना भी कोई भी चाहेगा ना हमारे जैसे डेमो देने का, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इतना नॉलेज तो कहीं नहीं मिल पाएगा। सी हम लोग एंड में यूज करेंगे ये वाला प्रोडक्ट। इसका काम क्या है? मिस्ट प्लस फिक्स, ठीक है। सेटिंग स्प्रे, मिस्ट, बहुत सारी चीजें आती है। बट अगर मुझसे आप लेते हो तो मैं कहूंगी कि लॉन्ग लास्टिंग और फेस को लॉक करने के लिए काम आएगा और एज अ हाइलाइटिंग लुक देगा अगर मैं प्रोवाइड करूँ तो। बिकॉज मैं जब भी प्रोडक्ट कोई भी बाय करती हूँ तो मुझे उसके इंग्रेडिएंट्स पता रहते हैं और इंग्रेडिएंट के साथ उन चीजों का मुझे नॉलेज है, ठीक है। मिस्ट, फिक्स, कंट्रोल, ऑयल कंट्रोल, ड्राई, क्या उन सारी चीजों का मुझे नॉलेज है। तो इसमें भी दो टाइप्स के अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। मिस्ट एंड फिक्स तुम लोग को मिलने वाला है। शेक करना है, एकदम दूर रखना है, शेक करके एकदम दूर रखना है और स्प्रेड करना है। आ गया शाइन, नेचुरल लुक दिख रहा है। सीसी क्रीम से पिगमेंटेशन वाली, यस, हल्के हल्के। तुम लोगों का पिगमेंटेशन लेवल कितना है भी उसके ऊपर डिपेंड है। बट अगर पिगमेंटेशन है तो 101% रिकमेंडेशन मेरा रहेगा, मस्ट बाय दिस प्रोडक्ट, मस्ट बाय वाला दिस प्रोडक्ट रहेगा। फेस के ऊपर इवन तुम लोग को और एक लुक दिखाने वाली हूँ कि तुम लोग के फेस के ऊपर, मेरे फेस के ऊपर अभी हल्के हल्के डार्क स्पॉट्स कम क्यों है। बिकॉज बहुत सारी चीजों का नॉलेज और बहुत सारा स्किन केयर का नॉलेज, बीटेक कॉस्मेटिक्स आहे का। अभी हाल फिलहाल तो बीटेक कॉस्मेटिक नहीं हूं, बट बी केमिकल इंजीनियर हूं मैं और मेकअप आर्टिस्ट्री के कोर्सेज किए हुए हैं, ठीक है, जिसका सर्टिफिकेशन हमारे पास है। बट सर्टिफिकेशन मैं ज्यादा उस चीज के लिए नहीं बोलती हूँ, बिकॉज क्या होता है वो सर्टिफिकेशन आज के जमाने में कोई भी प्रोवाइड करके देगा। बट मैं सबको कहूंगी कि नॉलेज देखो तुम लोग। अगर मैं कह रही हूँ ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, तुम लोग मेरे लाइव सेशन देखना फिर मुझे बता देना। आज पार्सल में आ ली, थैंक यू सो मच दी रिव्यू के लिए। एनी फेयरनेस क्रीम, फेयरनेस क्रीम देखो, अगर इंस्टेंटली चाहिए तो सिर्फ डे क्रीम से काम चल जाएगा। इनर ग्लो चाहिए तो उसके लिए तुम लोगों को डेली स्किन केयर। और सिर्फ ये वाले प्रोडक्ट से कितना सारा ग्लो आया है, कोई भी हाईलाइटर नहीं लगाया है, कुछ नहीं लगाया है, बस सिंदूर लगाना रह गया है, देख सकते हो। सही बात है, थैंक यू सो मच सविता दी। एक चुटकी सिंदूर, तुम क्या जानो बाबू। कैसा लुक आज का? लॉन्ग लुक बताओ, लॉन्ग लास्टिंग है कि नहीं? क्रीमी लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक दाखवा अंजलि दी। आज तो कोई प्रोडक्ट नहीं दिखा रही हो, जो प्रोडक्ट्स मैंने अप्लाई करके दिखाए हुए हैं वो अगर चाहिए तो ले सकते हो। सुरेखा जी आपने क्या मैसेज किया मुझे कुछ समझा नहीं है। डेली स्किन केयर बताओ, डेली स्किन केयर के डेमोज अवेलेबल है। बिंदी भी नहीं दी, जीन्स टॉप है। पिगमेंटेशन पर एक लाइव सेशन था। बहुत सारी चीजें पिगमेंटेशन के लिए मैं व्हाट्सएप पे सजेशंस देती हूँ। पिगमेंटेशन के ऊपर प्रॉपरली तो कुछ ऐसा सजेशन नहीं दे सकते हैं विदाउट देखे बिना, बट हम लोगों ने विटिलिगो स्किन, पिगमेंटेड, अगर आप लोगों के ये कुछ प्रॉब्लम्स है। सी अभी अगर तुम लोग, अगर मेरा ऑफलाइन चालू रहता था, अगर तुम लोग ऑफलाइन में मेरे पास आते हो तो मैं तुम लोग को एग्जैक्टली डेमो भी दे सकती थी। बट अभी हाल फिलहाल हमारे ऑफलाइन कोई एकेडमी ओपन नहीं हुई है। लैक्मे यूज नहीं किया है और लैक्मे के प्रोडक्ट्स पर्सनली
आई एम नॉट रिकमेंड बिकॉज मुझे कुछ उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिला. हमारा लुक पूरा का पूरा सिवाना फिक्सर फिक्स मिस्ट. मैं मिस्ट के लिए कहूंगी कि मुझसे अगर ले रहे हो तो प्रॉपर मिस्ट मिलेगा. प्रॉपर तुम लोगों को जैसा लुक चाहिए वैसा मिलेगा. और आज का लुक मुझे मेंशन कर देना कि कितना नेचुरल लग रहा है. नेचुरल लुक सच में तुम लोगों को लग रहा है कि नहीं. आई शेडो लगाया है, वो भी आई शेडो एकदम प्रॉपर तरीके से लगाया हुआ है कि एक सिंगल फिंगर रिंग से, सिंगल फिंगर रिंग से ब्लशर भी जो लगाया हुआ है एकदम नेचुरल है. इतना भगभग नहीं है कि एकदम डार्कनेस तुम लोगों को दिखेगा. ठीक है, डार्कनेस दिखेगा. सो आज का जितना भी लुक क्रिएट किया हुआ है, अगर तुम लोग को कितने दो तीन प्रोडक्ट ही मेन थे बट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थे. ठीक है, दो तीन प्रोडक्ट ही इम्पोर्टेंट थे बट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थे. अभी सारे में हाथ में लेके नहीं दिखा सकती हूँ. सीसी क्रीम टिंट से मैंने तीन चार चीजें की और लास्ट का फिक्सर लगाना ना भूलना बिकॉज एंड में जो हम लोग का काम रहता है, जितना हमने मेहनत किया हुआ है, 10-15 मिनट जो भी हम लोगों ने स्पेंड किए हुए हैं, तो उसको लॉक करने का काम हमारा लास्ट का प्रोडक्ट करता है. अभी ये वाला लुक अगर तुम लोगों को भी क्रिएट करना है, या फिर तुम लोगों ने प्रोडक्ट लेके रखे हुए हैं, ये वाला प्रोडक्ट लेके रखा है बट आज तक अगर तुम लोगों ने क्रिएट नहीं किया हुआ है ऐसा लुक, तो जरूर ये वाले प्रोडक्ट से तुम लोग नेचुरल लुक या फिर ऐसा मल्टीपर्पज लुक ये वाले प्रोडक्ट के साथ कर सकते हो. और मुझे शेयर कर देना तुम लोग का रिव्यू कि तुम लोग को क्या फील हुआ है. और सच में कहूंगी कि ये वाला प्रोडक्ट एज अ लिपस्टिक करके लगाओगे हल्का फील होगा. मतलब ऐसा लगेगा कि लिपस्टिक लगाई हुई ही नहीं है. कोई भी नॉर्मल कोई भी हम लोग लिपस्टिक लगाए ऐसा लगता है कि यार कुछ तो लिप्स के ऊपर लगाया हुआ है बट ये वाला प्रोडक्ट लगाने के बाद बिल्कुल नहीं लगेगा. इवन आईज के ऊपर इवन एज अ ब्लशर करके भी ऐसा फील नहीं होगा कि कुछ हेवीनेस है कुछ फेस के ऊपर अप्लाई किया हुआ है. इसीलिए इस डेमो को मैंने नाम दिया है हॉलीडे मेकअप लुक. हॉलीडे वाला मेकअप लुक की बाहर अगर जाते हैं तो एकदम लाइट वेट चाहिए. कोई अगर सामने से आके देखे भी तो एकदम लाइट चाहिए या फिर फटाफट रेडी होना है तो ये वाला एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका. इसके कलर दिखा देती हूँ कि ये मैंने जो लगाया हुआ ना ये बारे पिंक है. ठीक है, ये वाला बारे पिंक है. सारे कलर्स मैं बैक साइड से दिखा देती हूँ फिर तुम लोग को जो कलर चाहिए वो तुम लोग बाय कर सकते हो. अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे पूछ लेना. सोनाली दी हर्बल का डेफिनेशन क्या है? सोनाली दी जरा मुझे बता देना कि हर्बल का डेफिनेशन क्या होता है. हर्बल प्रोडक्ट आ रहे हैं क्या वो सर्टिफाइड होते हैं? क्या आपको अगर कभी कुछ हर्बल प्रोडक्ट से प्रॉब्लम हो जाए तो क्या आपके पास उसका प्रूफ है कि वो बाटली के ऊपर कुछ नामो निशान नहीं है, इंग्रेडिएंट नहीं है, बस किसी सेलर का नाम दे दिया, किसी ने खुद का नाम लगा दिया या फिर किसी ब्रांड का नाम लगा दिया और कह दिया कि ये वाला ब्रांडेड प्रोडक्ट है. ऐसा ब्रांड नहीं बनता है. ब्रांड कैसे बनता है? सी मैन्युफैक्चरिंग है. मालियो अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो मालियो ही ये वाला प्रोडक्ट बनाती है ऐसा नहीं है. यही प्रोडक्ट मैरी जोग भी बनाती है, यही प्रोडक्ट मालियो भी बनाती है बट कंपोनेंट इंग्रेडिएंट दोनों की सोच अलग अलग होती है. जब भी मालियो वाला बनाता है तो मालियो वाला सोचता है कि नहीं मुझे इसमें हल्का सा मैग्नेशियम भी चाहिए, मुझे हल्का सा फ्रेग्रेंस भी चाहिए, मुझे प्रोपिलीन भी चाहिए. तो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का इम्पोर्टेंस उन लोगों को पता रहता है. ठीक है, ये सारी चीजें इंग्रेडिएंट वो लिख के देते हैं तभी जाके ये वाला प्रोडक्ट बनता है. सर्टिफाइड होके क्यूसी डिपार्टमेंट से क्वालिटी क्यूसी डिपार्टमेंट में क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में बाहर से जैसे कि एग्जीक्यूटिव्स आते हैं या फिर क्या कहते हैं बाहर की कंपनी से जब तक सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है तब तक ये वाला प्रोडक्ट सर्टिफाइड नहीं होता है. तो ऐसे प्रोडक्ट तुम लोग कैसे यूज कर सकते हो जिसके ऊपर नामो निशान नहीं है, इंग्रेडिएंट्स नहीं है? तुम ही जानो फिर तुम कितना एजुकेटेड हो या फिर सामने वाले के ऊपर कितना ट्रस्ट रखते हो. अगर ये वाले प्रोडक्ट से अगर तुम लोग को कुछ इश्यू हो जाता है या फिर किस प्रोडक्ट से तुम लोग को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग कल जाके डॉक्टर के पास जाने के बाद ये वाला ट्यूब लेके जा सकते हो, ये वाला कंटेनर लेके जाके डॉक्टर को मेंशन कर सकते हो. तो डॉक्टर भी रिकॉग्नाइज कर पाएगा कि इसके ये इंग्रेडिएंट के वजह से आपको इश्यू हुआ है. अभी आप यूज कर रहे हो कोई भी एचडी पाउडर, कुछ भी प्रोडक्ट अगर यूज कर रहे हैं, XYZ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूं, वो अपना काम कर रहे हैं सेलिंग का, तुम लोग तुम्हारा काम कर रहे हो बाइंग का. बट अगर तुम लोग को पता ही नहीं है कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, तुम लोग क्या यूज कर रहे हो, अगर तुमको बताया भी जा रहा है कि ये वाला लिप चिक टिंट हमने बनाया है जिसके ऊपर कोई इंग्रेडिएंट नहीं है, कोई नामो निशान नहीं है, बस सेलर का नाम लगा दिया, ब्रांड का नाम लगा दिया, बोल दिया कि ये वाला बीटरूट से बना हुआ है, शिया बटर से बना हुआ है, तो तुम लोग मान लोगे?
विदाउट सर्टिफिकेशन, विदाउट क्वालिटी कंट्रोल में से जाए बिना कैसे प्रोडक्ट तुम लोग यूज कर सकते हो? अगर यूज करना चाहते हो तो जरूर तुम लोग ऐसे लोगों के साथ डील कर सकते हो, बट मेरा सजेशन तो नो है, मेरे साइड से तो वो चीज के लिए नो है कि ऐसे अगर यूज करते हो तो तुम लोगों को कुछ भी. सी, हमारी जो लाइफ है या फिर हमारी जो स्किन है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है. ऐसा नहीं है कि आज हमने कुछ भी प्रोडक्ट यूज कर लिया कल उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. हर चीज का कुछ ना कुछ हो सकता है, तो हमारे पास बहुत कुछ चीजें, उसका बहुत कुछ नॉलेज होना चाहिए. इज दिस द फाउंडेशन? यस. सीसी क्रीम सांगना प्लीज. आपको मेरा वीडियो देखना है यूट्यूब पे, उस पर आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा. प्रोडक्ट बाय करने हैं तो जरूर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो. हे सगड़े मागे ठेव मग दाखो. नहीं, मैं ये वाला टेंट्स दिखा रही हूँ. सही बात कही. किस किस को सही लगता है थोड़ा सा मुझे इन चीजों का ओपिनियन दे देना कि जो मैं चीज तुम लोग को सजेस्ट कर रही हूँ, कोई भी प्रोडक्ट अगर मैं सजेशन दे रही हूँ, कोई भी डे क्रीम सजेस्ट कर रही हूँ, कोई भी अगर टोनर सजेस्ट कर रही हूँ, अगर टोनर से तुम लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी तो ऑफकोर्स मैं इंग्रेडिएंट के बारे में और ज्यादा स्टडी करूंगी कि कौन से इंग्रेडिएंट से तुमको प्रॉब्लम हुआ रहेगा. अगर सेंसिटिव स्किन है तो क्या इसमें से इंग्रेडिएंट आपको सही रहेंगे, या इन इंग्रेडिएंट से आपके फेस को कुछ हार्मनेस है? अगर हार्मनेस हो जाता है, अगर कुछ फेस को इश्यू हो जाता है, तो मैं तुम लोग को बता सकती हूँ कि ये चीजों की वजह से आपको ये हुआ है और आप ये चीज को इस तरीके से चेंज कर सकते हो. और ये चीजें आप लोगों को कोई बाहर नहीं बताएगा कि अगर तुम लोग को प्रॉब्लम आएगा तो किस तरीके से उस चीज को तुम लोग डील कर सकते हो. अभी मैं लिप एंड चिन दिखा रही हूँ, तू खूब चांगले सांगते. थैंक यू सीमा दी. हेलो. सीटीएम करता ना सीरम केमा यूज कराए? सानिका दी, मेरे यूट्यूब पेज पे पहले लाइव सेशन देख लो, फिर आपको पूरा आइडिया आ जाएगा. हेलो सीमा जी. चलो बैक साइड से मैं सारे सारे दिखा रही हूँ. सीमा दी शायद आपको मैसेज नहीं आ रहे हैं. सो, मैंने जो यूज किया था, सबसे पहले बता देती हूँ कि ये बारे पे मैंने यूज किया था. अभी जो मैं अदर कलर्स दिखा रही हूँ, मोका शेड, ठीक है, ये वाला एज अ लिपस्टिक भी काफी सुपर्ब दिखता है. सही बोला है दी. थैंक यू सो मच रागिनी दी. सी, इस टाइप से शेड है नियॉन लिप एंड चिन. आज का आया है, डेमो था दी. 160 रुपीज, छोटा पैकेट बड़ा धमाका. और इतना सा क्वांटिटी लग रहा है, बट काफी टाइम तक ये वाला यूज होने वाला है, काफी टाइम तक यूज होने वाला है. ये है मोका शेड, ठीक है, ये वाला है मोका शेड. जिनको कॉफी शेड्स पसंद है या फिर कॉफी शेड वाली लिपस्टिक पसंद है वो जरूर यूज कर सकते हो. प्राइस है 160, एमआरपी है 249. सो ये वाला है हमारा मोका शेड लिप एंड चिक टेंट में. ये भी बहुत सुंदर लुक देगा. अगर तुम लोग को कॉफी शेड वाला लिपस्टिक चाहिए या फिर नेचुरल शेड में चिक्स और लिप्स पे लगाना है तो जरूर यूज कर सकते हो पिगमेंटेशन के लिए, स्किन केयर. नेक्स्ट शेड है ये वाला वेलवेट टेडी. नेक्स्ट शेड है वेलवेट टेडी. आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हो दी. यही मैं बोली कि कितना फंसा रहे हैं अदर लाइव में. सी सोनाली दी, मैं आपके आपकी बात का मैं थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन देती हूँ. मुझे ये वाले शेड्स दिखाने दो, ठीक है. ये है वेलवेट टेडी. वेलवेट टेडी. हेलो नजमा दी, लिप स्क्रब डेली यूज कर सकते हो? डेली या फिर अल्टरनेट डेज यूज कर सकते हो. डेली मत यूज करो, अल्टरनेट डेज यूज करो दी. ये है सेकेंड शेड वेलवेट टेडी. थर्ड शेड दिखा रही हूँ, रोमांटिक रेड आई थिंक है ये वाली शेड का नाम, देख लेती हूँ. रेड रोमांस, ठीक है, रेड रोमांस. कलर इसमें पिगमेंटेशन दिख रहा है इतना, बट लगाने के टाइम पे ये हल्का सा लाइट हो जाता है. रेड रोमांस काफी सुपर्ब है, एज अ लिपस्टिक करके लगा सकते हो, एज अ आई शेडो और एज अ ब्लशर करके लगा सकते हो. फ्रेग्रेंस A1 है, एकदम लाइट वेटेड फॉर्मूला है. और मैंने तीन तरीके से ये वाले डेमो में लगा के दिखा हुआ है. मला दिले आहे सना नाही दी, ये वाला तो अभी न्यू प्रोडक्ट आया हुआ है, ये आपके पास नहीं है. फोर्थ शेड है ये वाला कोरल क्रश. ये वाला भी न्यूड में जाएगा. न्यूड में जिनको चाहिए मोका ले लेना और ये वाला ले लेना कोरल. आपकी बातें सुनकर ही लगता है कि आपके पास नॉलेज. ये वाला शेड है कोरल क्रश. थैंक यू सविता जी, प्लीज शो फाउंडेशन टू अगेन. वेट करो दी, दिखा देती हूँ. और लास्ट शेड जो मैंने अप्लाई किया था बारे पिंक, जो मैंने आज मेरे लाइव सेशन में अप्लाई किया था. हर किसी को सूट होगा ऐसा नहीं है, आप
लोग मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम लोगों को शेड सजेस्ट कर लूंगी। सी ये वाला है बारे पिंक कलर, मैं तो सारे रखने वाली हूँ बट पर्सनली मैं कहूंगी मुझे हल्का सा पिंकिश लुक ज्यादा पसंद है। थोड़ा सा डार्क पिंकिश भी हो जाए, मैं वैसे तो ब्लश और भी ज्यादा लगा सकती थी बट तुम लोगों को दिखाना था मुझे कि एक हल्का सा नेचुरल लुक अगर चाहिए, ब्लश ब्लश अगर नहीं लगाती थी तो ये नेचुरल जो पिंकीनेस है ना वो नहीं दिखता था। सो ऐसे मेरे पास इसके मियोन के 5 शेड्स अवेलेबल हैं। मला जे पाइजे थे मैं व्हाट्सअप करती, व्हाट्सअप कर दी। वैसे भी लाइव बुकिंग नहीं है आज, आज का सारा ऑफलाइन बुकिंग है, मैं आज ही आई हूँ। वेलकम टू माई लाइव सेशन। जितने भी न्यू व्यूवर्स आज अभी के बाद भी लाइव सेशन देखेंगे प्लीज हमारे इंस्टाग्राम यूट्यूब एंड फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करके रखना। इंस्टाग्राम का भी पेज है पर्ल एंड सिल्की करके और फेसबुक का भी यही है और हमारे यूट्यूब का भी है। तो मैंने शेड्स 5 बताए हैं, 5 में से अगर आप लोग को कोई समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा लगाऊं, मेरे फेस के ऊपर कैसा दिखेगा, तो तुम लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी। ठीक है, प्राइस रहेगा ओनली एंड ओनली 160 रुपीज। और सविता दी की बात मैं अभी थोड़ा सा क्लेरिफाई करना चाहती हूँ, मुझे भी पिंक लुक पसंद है। ओके सी सविता दी ने एक बात कही थी कि लूट रहे दी ऐसा नहीं है, वो अपना काम करे, ठीक है, वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं बट उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, जब तक इंसान को प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलता है तो वो भटक जाता है, वो बस अपने कॉन्सेंट्रेशन करता है अपने बिजनेस पे, अपनी चीजों पे फोकस करता है। ठीक है, सो जब तक पर्ल एंड सिल्की का प्लेटफॉर्म यहाँ पे नहीं आएगा तब तक वो भी बहुत सारी चीजें नहीं सीख पाएंगे, शायद हमारे लाइव सेशन से भी वो बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे। मिक्सर का काम करता है, मिक्सर नहीं फिक्सर, लॉन्ग लास्टिंग और होल्डिंग पावर। हेलो लुबना जी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, मुझसे अगर प्रोडक्ट बाय करते हो तो ईच एंड एवरी प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप तुम लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, तो हर एक प्रोडक्ट तुम लोग को स्किन के अकॉर्डिंग मिलेगा। सीसी क्रीम जो एज अ फाउंडेशन यूज होगा। शो लास्ट वन एसएस लेना है, लास्ट वाला क्या दी, लास्ट वन क्या बोल रहे हो पूर्वा दी, मेंशन कर देना। ठीक है, और सी सेलर का काम ही है सेलिंग करना, तो हर एक का अलग अलग अपना अपना तरीका रहता है। अगर पर्ल एंड सिल्की का प्लेटफॉर्म आया है तो हर कोई सेलर अपनी प्राइजेस डाउन करेंगे। कितने सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने देखे हुए हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स के प्राइस रेंज हाई थे और अभी इंस्टेंटली कम हो गए, तो ये चेंज किस वजह से आया है। वो खुद सेलर भी मेरा लाइव सेशन अभी देखेगी या फिर देख भी रही होगी तो हंस भी रही होंगी, क्यों मैडम बताइए, पर्ल एंड सिल्की का बेनिफिट है कि नहीं आपको मैडम। ठीक है, पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेंगे, ऐसे बहुत सारे सेलर हैं, तो आपने अगर हमारे लाइव सेशन देख के अपना प्रोडक्ट या प्रोडक्ट प्राइस कम कर दिया है, एनजो का प्रोडक्ट अगर 200 में हम सेल कर रहे हैं तो बाहर के सेल पहले 400 में कैसे सेल कर रहे थे, थोड़ा बताइए। ठीक है, एनजो के प्रोडक्ट्स हो गए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मालियो के प्रोडक्ट्स हो गए हैं, स्टार्टिंग में कितना हाई रेंज था बट हमारे लाइव सेशन की वजह से तुम लोगों का भी बचत हो गया है कि हमारे पास से लो या फिर उन सेलर से लो, बिकॉज वो भी हमसे कंपटीशन करें, उनको भी लगता है कि हर्षदा के प्रोडक्ट सेल हो रहे तो हमें भी उनके लेवल में जाना है। बट हर्षदा ये लेवल में नहीं है, हर्षदा की जो लाइन है ना वो अलग है। हमारा पर्ल एंड सिल्की का एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जो किसी से कंपेरिजन हो ही नहीं सकता है, और जहां पे उनकी सोच खत्म होगी उसके 10 गुना आगे की मेरी सोच रहेगी, कि मेरे डेमोज और मेरे टेक्निक्स ऐसे रहते हैं कि तुम लोग सोच भी नहीं पाओगे, मुझे पता है ये। बहुत सारे लोगों को पता भी रहेगा बट किसी को कुछ ब्लेम नहीं करना है, बिकॉज तुम लोग ही वो कस्टमर हो जो उनसे बाय कर रहे थे और उनका बिजनेस आगे लेके जा रहे हो, बिकॉज तुम लोगों को तब तक अच्छाई और बुराई की चीजें समझी ही नहीं थी। मार्केट में क्या अच्छा है, मार्केट में क्या बुरा है, अगर हम लोग वेजिटेबल लेने जाते हैं, अभी तो मैंगो का सीजन है, मैंगोस तुम लोग को 750 में भी मिल जाते हैं, 1000 में भी मिल जाते हैं, 1500 में भी मिल जाते हैं, 100 रुपीज में भी मिल जाते हैं, बट परखने वाले को समझना चाहिए कि मैंगो कौन सा वाला अच्छा है। शायद 100 रुपीज वाला भी अच्छा होगा, शायद 1500 वाला भी अच्छा होगा, शायद कभी 750 वाला भी अच्छा होगा, बट ये आपके ऊपर है। कस्टमर्स तुम लोग हो, सेलर्स तो बहुत सारे रहेंगे, मैं नहीं कर रही हूं कि आई एम द ग्रेट वन हु आर द वन ओनली, बट है ये फैक्ट है कि वी आर द ओनली वन प्लेटफॉर्म पूरे फेसबुक पे, पूरे यूट्यूब, पूरे इंस्टाग्राम, कहीं पे भी चेक कर लो कि हमारा एक ही लाइव सेशन, एकमात्र लाइव सेशन रहेगा जहां पे अगर प्रॉब्लम्स आती है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, और कोई भी प्रोडक्ट आता है तो उसको कैसे यूज करना है वो
थरोली बताया जाता है। डॉक्टर एशल चे विटामिन सी जेल की दिला है 180। आज सिर्फ डेमो है, सिर्फ डेमो है। सो जरा बताना हमें भी कि हमारा नॉलेज और हमारा आज का लाइव सेशन आपको कैसे लगा। होप सो आज का लाइव सेशन तुम लोगों को अच्छा लगा रहेगा। क्या बात कही है बातों में दम है। यस, हमारी बातों में भी दम है, हमारे प्रोडक्ट्स में भी दम है। दी आई वॉन्ट आई लाइनर ब्रांड कौन सा है? लाइनर मालिया। ज्यादा टाइम ना ये वर्डिंग्स में यूज नहीं कर सकती हूँ बिकॉज काफी सारे इश्यूज हमारे, काफी सारी चीजों को होते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और एक चीज बता दूंगी, तुम लोग को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो भी प्रोडक्ट तुम लोग को प्रोवाइड किया जाता है, तुम लोगों के पास आने से पहले, उसका पेमेंट हो जाने के बाद, तुम लोग को सारे फोटोज प्रोवाइड किए जाते हैं कि अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। ब्लाइंडली प्रोडक्ट तुम लोग के घर तक नहीं आता है। जब भी तुम लोग का पेमेंट आ जाता है, उसके बाद बिफोर पैकिंग तुम लोग को पूरा फोटो दिया जाता है कि ये वाली प्रोडक्ट्स तुम लोग को प्रोवाइड की जा रही। पता नहीं बाकी लोगों का क्या सिस्टम है, कैसे तुम लोग को प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बट मुझे जहां तक पता है तुम लोग को इवन स्किन टाइप भी पूछी जाती नहीं रहेगी। इवन वो चीज के ऊपर वर्कआउट भी नहीं किया जाता है। मैं जितना टाइम लेती हूँ स्किन केयर के प्रोडक्ट बताने के लिए, मैं पूरा दिन ले लेती हूँ और सेकेंड डे थर्ड डे मैं फाइनल लिस्ट उनको देती हूँ। कभी कभी इंस्टेंट भी दे देती हूँ अगर मेरे पास ज्यादा मैसेज नहीं रहेंगे तो। आप भी टेंशन मत लो, जल्दी जल्दी दिखाओ। आलिया जी आपको जल्दी जल्दी देखना है, लाइव सेशन रिवाइंड करके देख सकते हो। आलिया जी हम टेंशन क्यों ले, टेंशन तो आपको होनी चाहिए। आप कहाँ पे पैसा खर्च कर रहे हो या आपको पता होना चाहिए। हेलो रचना जी, सुपर सही है, थैंक यू सो मच महालक्ष्मी जी। सो कोई भी प्रोडक्ट अगर देखना है तो एक बार फिर से लाइव देख लेना, दैट्स ट्रू। थैंक यू सो मच मानसी जी। कितना सही है कितना गलत है ये सारी चीजें डिसाइड करने वाले तुम ही हो। हेयर कलर है क्या? लॉरियल में मिल जाएगा डार्क ब्राउन कलर। एमआरपी कुछ उसका 630 या समथिंग कुछ तो है, आप लोगों को उसी रेंज में 500 प्लस में ही मिलेगा। नो दी सुनीता दी, मास्क के प्रोडक्ट्स मुंबई में अवेलेबल नहीं होते। मास्क के जो प्रोडक्ट्स है वो उसका जो शिपमेंट है वो ओनली दिल्ली साइड वालों के पास होता है, या फिर आप लोगों को लुधियाना साइड में मिलेगा, या फिर आपको मिलेगा कोलकाता साइड, बिकॉज उसका जो शिपमेंट है वो उस साइड ही होता है। और आपको इम्पोर्टेड ही, मास इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट अगर आपको ऑथेंटिकेटेड मिल रहा है तो जरूर ले सकते हो। नहीं तो हमारे पास भी इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जैसे कि मैरी जो माली वगैरह बहुत सारे, सिवाना भी इम्पोर्टेड है। लूज पाउडर का स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हो। मुंबई में कहां से है ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप कीजिए। वैसे तो हमारा ऑफलाइन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, जल्द ही हम हमारा ऑफलाइन एकेडमी या फिर ऑफलाइन हमारा कॉस्मेटिक मॉल ओपन करने वाले हैं, जिसके लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच। हेलो आरती दी, सो किसी के कुछ क्वेश्चन, किसी को कुछ डाउट है तो मुझे जरूर पूछ सकते हो, मैं तुम लोग के क्वेश्चन के आंसर दे सकती हूँ। पूरे लाइव सेशन में मुझे लगता है मैंने बस बहुत सारी बकबक तो की है, शायद किसी को अच्छी लगी रहेगी, किसी को बुरी लगी रहेगी, बट हमेशा कहूंगी कि जो भी लाइव सेशन देखते हो उसमें से पॉजिटिव लिया करो। ठीक है, निगेटिव को यहाँ पे छोड़ दो, ये वाला लाइव सेशन होने के बाद भी निगेटिव को छोड़ दो और पॉजिटिव के पास जाओ। ताई हेयर डाई कौन से बेस्ट रहे विदाउट? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है रचना दी। सबसे पहली बात तो केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स कोई भी अवेलेबल नहीं होता है। आपको हर्बल प्रोडक्ट्स भी दिए जाते हैं तो उसमें केमिकल रहते हैं। अगर सब्जी आज बनाकर रखोगे, अगर उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालोगे, अगर केक आज बना के डाल रहे हो या फिर अचार अगर आज बना रहे हो, आम का सीजन है ना, कैरी का सीजन है, अभी अगर अचार बना के रख दिया, बाहर ही रख दिया, उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं डाल दिया, हमने सिर्फ फ्रिज में रख दिया, कितने दिन रहेगा? 2 से 3 दिन तक उसका लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। जब तक हम केमिकल प्रोडक्ट्स उसमें नहीं डालेंगे, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहते हैं। और हार्मफुल की बात कहेंगे तो जो भी केमिकल प्रोडक्ट्स आते हैं या फिर डाइस आते हैं, तो डाइस के ऊपर क्लियरली मेंशन लिखा हुआ रहता है ये कंपनी इससे रिलेटेड कोई भी गारंटी नहीं लेती है। कोई भी डाई अगर आप यूज करते हो, कोई भी प्रोडक्ट उसमें से यूज कर रहे हो, तो उसकी गारंटी हमारी नहीं है, बिकॉज उन्होंने खुद ने मेंशन किया है कि आपको कोई भी हार्मनेस उस चीज से हो सकता है। स्टिल हम लोग अपनी ब्यूटी इन्हांस करने के लिए डाई करते हैं कि नहीं? अगर ब्यूटी की तरफ जाना है तो इन चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर ब्यूटी की तरफ नहीं जाना है तो व्हाइट हेयर्स के साथ लाइफ जी सकते हो, या फिर मेहंदीज यूज करो, उसमें जो क्वांटिटी रहेगा केमिकल प्रोडक्ट्स का वो कम हो जाएगा। लाइफ स्टॉप झालं होतं का? नहीं,
लूज पाउडर पीपी 230 रुपीज। सो होप सो तुम लोगों को आज का ना कुछ भी पता नहीं चले हैं, 200, 150, 100 के बीच में नाच रहे थे। होप सो तुम लोगों को मेरा मेरा ये वाला लाइव सेशन अच्छा लगा रहेगा, और लुक देख लेना कि कितना नेचुरल लुक आज का आया हुआ है। और अगर चाहते हो कि तुम्हारे हस्बैंड को डार्क लिपस्टिक्स पसंद नहीं है, डार्क मेकअप अगर पसंद नहीं है, तो जरूर जरूर मस्ट बाय वाले प्रोडक्ट्स कहूंगी कि ये वाले लिप एंड चिक टिंट ले लेना, नेचुरल लुक दिखेगा, एकदम नेचुरल लुक दिखेगा। मैम ड्रेस पिंकी दी प्रॉपर सजेशन आपको व्हाट्सएप पे दिया जाएगा, ठीक है। चलो अभी ये वाले लाइव सेशन को हम लोग एंड कर रहे हैं, फिर से लाइव सेशन को देख लेंगे, तुम लोग देख लेना मतलब रिवाइंड करके। और मैं तुम लोगों को बैक साइड से दिखा रही हूँ हमारा इंस्टाग्राम पेज एंड यूट्यूब पेज, जरूर वो पेजेस को तुम लोग लाइक फॉलो कर लेना। सी एक सेकेंड, इंस्टाग्राम पेज नेम है पर्ल एंड सिल्की। और आज जो लुक किया है ना, जिनके फेस के ऊपर प्रॉब्लमेटिक स्किन है, डार्क स्पॉट है, जरूर 101% तुम लोग ये वाला प्रोडक्ट ले सकते हो। पर्ल एंड सिल्की नाम है, यहाँ पे हम लोगों के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं उसके रील्स डाले जाते हैं। सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत सारी चीजें तुम लोग को मिल जाएगी, ये छोड़ के हमारा यूट्यूब पेज है, यूट्यूब पेज का नाम भी पर्ल एंड सिल्की ही है। तो वो यूट्यूब पेज के ऊपर तुम लोग जा सकते हो, और यूट्यूब पेज का नाम है हमारा पर्ल एंड सिल्की, यहाँ पे भी तुम लोग के मेरे डेमोज मिल जाएंगे, ठीक है। जिनको स्किन केयर के प्रोडक्ट्स चाहिए पहले डेमोज देख लो, फिर तुम लोग ले सकते हो। काजल पीपी है 200, मैरी जोक का है। होप सो आज का लाइव सेशन अच्छा लगा रहेगा। अपकमिंग डेज में तुम लोगों को कौन सा मेकअप लुक देखना है, या फिर कौन सा लाइव सेशन देखना है, या फिर स्किन केयर में भी और कुछ अगर आप लोगों को चाहिए कि ये चीज हम लोग को देखनी है, तो जरूर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। जो भी न्यू व्यूवर्स ऑफलाइन देखने वाले हो, जरूर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कुछ भी अगर डाउट है, लेना है प्रोडक्ट, या फिर सजेशन चाहिए, तो जरूर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हेलो ललिता जी, अभी आप रिकॉर्डेड लाइव सेशन देख सकते हो। इंडिगो हाय, किशोर भैया क्या बोल रहे हो मुझे कुछ समझा नहीं। चलो लाइव सेशन को एंड कर देते हैं, और जाते जाते फिर से बता दूंगी कि एक प्रोडक्ट का तीन कमाल कैसा लगा, जरूर मुझे व्हाट्सएप पे बता देना। आई केयर के लिए बताना दी, आई केयर के लिए जरूर, आई केयर के ऊपर करेंगे जरूर जरूर, आई केयर के लिए हम लोग पूरा एक प्रॉपर लाइव सेशन ले लेंगे, ठीक है। और अगर कुछ चाहिए कि कुछ भी कुछ भी, आई शेडो लुक चाहिए, फिर से स्मोकी आई लुक चाहिए, स्मोकी स्मोकीनेस में सिर्फ ब्लैक कलर रहता है क्या, स्मोकी स्मोकी आईज में भी बहुत सारे कलर्स रहते हैं, तो वो मेकअप लुक भी तुम लोग को अपकमिंग डेज में सीखने के लिए मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। ये वाले प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिले। मेहंदी विचारता है किशोर भैया, अच्छा हेलो अल्पा जी। चलो लाइव सेशन को हम लोग अभी एंड कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। और कल क्या रहेगा कल ही पता चलेगा, बहुत सारा न्यू हेयर एक्सेसरीज, बहुत सारा कलेक्शन आया हुआ है। शायद कल दो टाइम रहेगा, आफ्टरनून और इवनिंग में भी, अगर पॉसिबल हुआ तो ही आफ्टरनून में आऊंगी, नहीं पॉसिबल हुआ तो नाइट में आऊंगी। गायत्री दी का एकदम बोलते हैं ना, वो दिमाग में घंटी बजे ऐसा हो गया है ना, ठीक है। चलो ये वाले लाइव सेशन को एंड कर देते हैं, होप सो आज का लुक आप लोग को अच्छा लगा रहेगा। डार्कनेस है अगर फेस के ऊपर कुछ भी पिगमेंटेशन है, या फिर पिंपल के डार्क स्पॉट्स है, रेड स्पॉट्स है, मस्ट बाय वाला प्रोडक्ट कहूंगी। अगर आप लोगों की स्किन शेड को, अगर आपका फोटो देख के मुझे अगर लगा कि ये वाला शेड्स, इसमें जितने भी शेड्स मेरे पास अवेलेबल है, कोई आपके फेस के ऊपर काम नहीं करेगा, तो मैं इसको सीधा मना कर दूंगी। या फिर मैं इसमें भी कहूंगी कि सेटिंग पाउडर के अल्टरनेटिव मैं बनाना पाउडर भी कभी कभी प्रोवाइड करती हूँ, बिकॉज किसी किसी का स्किन टोन ऐसा रहता है कि जिसके ऊपर मुझे नहीं लगता है ये वाला कलर सूट होगा। इसमें भी शेड्स है, बट ऐसा होता है, 1 से लेके 4 शेड भी अवेलेबल रहेंगे तो भी उसमें कभी कभी होता है कि शेड नहीं सूट होता है, ठीक है। सो जरूर व्हाट्सअप कीजिए, अगर रिक्वायरमेंट है कुछ भी तो व्हाट्सअप जरूर कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम देना, थोड़ा समझ के लेना, और लाइव सेशन देख के फिर ऑर्डर करना, कोई भी घाई नहीं है। और जाते जाते फिर से यही कहूंगी, जो भी लाइव सेशन देखोगे, ऑफलाइन भी जो भी देखोगे, जो भी सेलर्स देखते हैं, पॉजिटिव चीजें लिखना, पॉजिटिव चीजें लेके मेरे लाइव सेशन से बाहर निकलना। सी दुनिया तो बहुत सारी नेगेटिव है, बट अगर खुद की ब्यूटी, अगर खुद को एनहांस करनी है, तो खुद को थोड़ा सा एनहांस कर लो, या फिर खुद को मॉडिफाई कर लो, ठीक है। और मॉडिफाई वाला लुक ये वाला हमने आज क्रिएट किया, होप सो तुम लोग को अच्छा लगा रहेगा। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।
लिपस्टिक कैसा लग रहा है, मस्त लग रहा है। चलो बाय बाय, थैंक यू। अल्पा जी किस चीज का प्राइस है? सारे लाइव सेशन तुम लोग देख सकते हो यूट्यूब पे भी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। थैंक यू सो मच।